नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए 500 क्वेश्चंस और ये 500 क्वेश्चंस है पूरे आर्ट एंड कल्चर से। इसको लिया गया है नितिन सिंघानिया की बुक से, सीसीईआरटी से, फेसेस ऑफ इंडियन कल्चर जो स्पेक्ट्रम वाली बुक आती है वहां से, और क्लास 11 की एनसीईआरटी की फाइन आर्ट की बुक से। ये पूरे 500 क्वेश्चन जो होंगे पूरी तरह से बायलिंगुअल होंगे, यूपीएससी के लिए, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, टीईटी, आरआरबी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और अदर सिविल सर्विस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सारे के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपको बता दूं, हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं सभी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 86, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, इन द वैदिक पीरियड आइवरी कार्विंग वाज रिफर्ड टू एज दंता। अब वैदिक काल में जो हाथी दांत नक्काशी होती थी उसको दंता कहा जाता था, हाथी के दांत पे। सेकंड हम देखते हैं कि केरला वॉज वेल नोन फॉर पेंटिंग ऑन आइवरी। अब केरल में आप जाएंगे तो वहां पे जैव विविधता बहुत अच्छी पाई जाती है और बहुत ही हरा भरा है और बहुत ज्यादा बारिश होती है, हाथी वहां पे बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो कहा गया है सेकंड स्टेटमेंट कि केरला में आप पाएंगे कि जो ये हाथी के दांत पर जो पेंटिंग वाली बात है वो केरला में काफी ज्यादा होती थी। फिर तीसरा हम जाएंगे कि जयपुर वॉज फेमस फॉर बेंचेस मेड ऑफ आइवरी। जयपुर राजस्थान में है, वहां पे यह कहा गया है कि जयपुर में हाथी के दांत की बनी हुई चूड़ियां बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध है। अब आपने तीन स्टेटमेंट देखे, इनको देखते हुए आप कोड देखिए। ए है हमारा 12, बी है 13, सी है 23 और डी है 11। अब आपको मैं बताता हूं सही क्या होगा। सही होगा करंट ऑप्शन ए। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ए क्या है तो ए है 1 और 2, दैट मींस कि स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 3 रॉन्ग क्या है? तीसरा जो था, कहा गया था कि जोधपुर फेमस है हाथी के दांत की बनी हुई चूड़ियों के लिए, लेकिन यहां पे क्या है, जयपुर के बारे में कहा गया था। स्टेटमेंट में देखिए जयपुर, तो ये जयपुर के बारे में ये बातें गलत है। यहां पे क्या होना चाहिए, जोधपुर जो है, जोधपुर फेमस है हाथी के दांत की बनी हुई चूड़ियों के लिए, बैंजल्स मेड ऑफ आइवरी। तो फिर जयपुर का नाम क्यों आया, जयपुर जान लीजिए, जयपुर भी किसी चीज के लिए फेमस है। जयपुर वॉज फेमस फॉर इट्स आइवरी जाली वर्क यूज इन होम एंड स्मॉल आर्ट ऑब्जेक्ट्स। जयपुर फेमस था कि हाथी के दांत का बना हुआ जाली का काम होता था, जिसको लोग घरों में छोटे छोटे सजावट के रूप में या छोटी कला वस्तुओं के रूप में वो रखते थे। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, जयपुर के बारे में कहा जा रहा था कि जयपुर हाथी के दांत से बनी चूड़ियों के लिए फेमस है, नहीं है। कौन सा फेमस है, जोधपुर फेमस है। नेक्स्ट हम देखते हैं 87, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फिलीग्री वर्क टेक्निक इज रिलेटेड टू क्ले वर्क। अब जो फिलीग्री काम की तकनीक है, फिलीग्री काम की जो तकनीक है वो मिट्टी के काम से संबंधित है। सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं, उड़ीसा इज वेल नोन फॉर इट्स सिल्वर एंकलेट्स कॉल्ड पैनरी एंड पैजाम। अब उड़ीसा अपने सिल्वर पायल के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है, जिसे पैनरी या पैजाम कहा जाता है। पायल आप सभी जानते हैं, लेडीजें जो होती हैं वो अपने पांव में बांधती हैं। तो उड़ीसा के बारे में कहा जाता है कि अपने सिल्वर पायल के लिए फेमस है और वहां पे इन पायलों को पैनरी या पैजाम कहा जाता है। दो स्टेटमेंट हमारे पास हो गए, चलिए हम करेक्ट कोड देखते हैं। ए है 1, बी है 2, सी है 12, डी है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ देम। अब देखिए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बी। बी को अगर मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊं तो बी है ओनली 2, दैट मींस कि 1 जो है वो रॉन्ग है। फिलिग्री वर्क टेक्निक इज रिलेटेड टू क्ले वर्क, यही कहा गया था ना कि फिलिग्री का जो काम का तकनीक है वो मिट्टी के साथ संबंधित है, ये बात गलत है। देखिए फिलिग्री काम की जो तकनीक है, फिलिग्री वर्क तकनीक जो है वो चांदी के आभूषण बनाने से संबंधित है। नेक्स्ट अब चलते हैं 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट अब देखते हैं, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पॉटरी हैज बीन फाउंड इन नियोलिथिक साइट ऑफ मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ में नियोलिथिक स्थल में मिट्टी के बर्तनों के सबसे पुराने साक्ष्य मिले, ठीक है। मेहरगढ़ जो कि काफी फेमस है, माना जाता है कि कृषि की शुरुआत या कृषि के एग्रीकल्चर के जो फर्स्ट एविडेंस मिले हैं वो मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। और मेहरगढ़ अभी कहां पे है, पाकिस्तान के जो पिछला, तो आप जानिए कि मेहरगढ़ कहां पे है। मेहरगढ़ जो आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला हिस्सा देखेंगे, उसमें पीछे वाले हिस्से में कुछ और वेस्ट जाएंगे तो अफगानिस्तान वाला भी एरिया शुरू हो जाता है। तो वहां पे पुराना आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक जगह था मेहरगढ़, और उससे पहले के भी वहां पे मतलब नियोलिथिक पीरियड के भी लोग रहते थे, मतलब काफी पहले के लोग रहते थे और वही कंटिन्यू हुआ था आपके इंडस वैली
सिविलाइजेशन में ही, इसको कभी भी रिलेट नहीं करेंगे कि सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद की चीज है और वहां पर न्यूलिथिक साइट पे ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले भारतीय पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो कृषि के पहले साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। तो मेहरगढ़ में कहा गया है कि यहां पे मिट्टी के बर्तनों के भी सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं, एक हो गया। दूसरा स्टेटमेंट अब देखते हैं, मोस्ट ऑफ द एविडेंस ऑफ रूलिट पोएट्री हैव बीन फाउंड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। अब जो रूलेट मिट्टी के बर्तन बनाने का जो तरीका था उसका अधिकांशतः जो साक्ष्य है वो उत्तर भारत में ही मिला है। फिर थर्ड स्टेटमेंट हम देखते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर वाज अ टाइप ऑफ एंशिएंट पॉटरी। अब उत्तरी जो काला पॉलिश बर्तन प्राचीन मिट्टी के बर्तनों का ही एक प्रकार था और काफी पहले से ये फेमस था। अब जानिए कि सेलेक्ट द करेक्ट कोड इसमें से कौन सा होगा, A1, B2, C23 और D1 और 3। चलिए आपको मैं दिखाता हूं सही क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा भाई डी, डी है कथन दो, गलत है डी का मतलब 1 और 3 हमारे सही है, सेकंड वाला गलत है। सेकंड को फिर से आप देखिए, सेकंड में कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द एविडेंस ऑफ रूलिट पॉटरी हैव बीन फाउंड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। रूलिट पॉटरी के अधिकांशतः साक्ष्य उत्तर भारत में पाए गए हैं, यही हमारा सेकंड वाला जो ऑप्शन है यह गलत है। क्या सही होना चाहिए यहां पर, देखिए कि रूलिट पॉटरी के जो ज्यादातर साक्ष्य मिले हैं कहां से मिले हैं, ये मिले हैं हमारे साउथ इंडियन से, राइट। बिल्कुल क्लियरली लिखा है भारत के दक्षिण में हमें रूलेट मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 89। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेम ऑफ पॉटरी एंड प्लेस ऑफ ऑरिजिन। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी के बर्तनों के नाम और उसकी उत्पत्ति के स्थान के बारे में सही है। एक एक करके मैं आपको मिट्टी के बर्तन के जो प्रकार बनते थे उसका नाम बताऊंगा और उसके बाद कहां पे ये होते थे उसका नाम बताऊंगा। आपको देखना है कि इनमें किसका किसका मिलान सही है। पहला है ब्लू पॉटरी, ब्लू पॉटरी मतलब कि ब्लू कलर की नीले रंग के मिट्टी के बर्तन मृदभांड, ये कहां बनते थे, जयपुर में बनते थे। कागजी पॉटरी, कागजी पॉटरी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में बनती थी। ब्लैक पॉटरी, काली मृदभांड या काली मिट्टी के बर्तन उखरूल मणिपुर में बनते थे। चौथा है सुरई, सुरई मिट्टी के बर्तन जो होते थे वो पश्चिम बंगाल में बनते थे। तो ये चार हमारे पास मिलान करने के लिए हो गए। अब आपको बताना है कि इसमें किनका किनका मिलान सही है। ए है 1, 2, 3 का सही है, बी है 1, 2, 4 का सही है, सी 1, 3, 4 का सही है और डी 2, 3, 4 का सही है। चलिए हम देखते हैं कि क्या सही होगा। करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, सी के ऊपर हम आते हैं। सी का मतलब है कि 1, 3 और 4 के सही है। इसका मतलब 2 मतलब कि कागजी पॉटरी, कागजी मृदभांड आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में नहीं बनते थे। कहां पे बनते थे हम चलते हैं, कागजी पॉटरी अलवर राजस्थान में बनता था। अलवर राइट और राजस्थान यहां पे लिख लीजिए और दिमाग में रखिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, द ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदड़ो वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म ऑफ ब्रॉन्ज वर्क। अब मोहनजोदड़ो में जो नृत्य करने वाली लड़की की कांस्य की प्रतिमा मिली है वो कांस्य के सबसे पुराने कला रूपों में से एक थी। सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं, द अर्लीस्ट लेटेस्ट एविडेंस अबाउट डिफरेंट मेथड ऑफ कास्टिंग ब्रॉन्ज कैन बी फाउंड इन अ गरुड़ पुराण। अब जो कास्टिंग आप जानते हैं, कास्टिंग में होता क्या है, कास्टिंग में आप क्या करते हैं, किसी भी मेटल को आप पिघलाते हैं या फिर मिश्र धातु को, उसमें 2-3 धातुओं को मिला करके और उसको जब पिघलाते हैं और पिघलाने के बाद एक पहले से जो भी शेप देना है उसका हम कहीं पे बालू के अंदर या फिर मिट्टी के अंदर वो वैसा शेप बना के रखते हैं, उसके बाद से उसमें इन चीजों को डाल दिया जाता है। जब यह पिघला हुआ आपका मिश्र धातु हो गया या पिघला हुआ कोई भी मेटल हो गया, धीरे धीरे जब ठंडा होगा तो उसका रूप ले लेगा और उसके बाद में उसको ठोक पीट करके हम जो भी चाहिए आकार वो आकार हम दे लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कास्टिंग। तो जो कांसे की मतलब कि ब्रॉन्ज की जो कास्टिंग होती थी उसकी विभिन्न विधि के बारे में सबसे प्रारंभिक साहित्यिक प्रमाण हमारे हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में मिलते हैं। देखिए कितना सेकंड स्टेटमेंट है ये। थर्ड हम देखते हैं, अबाउट द मेटल प्यूरिटी एंड डिस्टिलेशन ऑफ जिंक वॉज मेंशन इन रस रत्नाकर। देखिए मेटल प्योरिटी, मेटल हम जानते हैं कि मेटल की कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं। मेटल हम जानते हैं मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। डक्टाइल का मतलब कि उसको तारों में खींचा जा सकता है। मैलिएबल का मतलब क्या हुआ, मैलिएबल का मतलब हुआ कि भाई पीटने पे उसकी चादरें बनाई जा सकती हैं। तो ये कई सारी, अच्छा
इलेक्ट्रिसिटी और उष्मा हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं, तो ये हो गई मेटल। अब मेटल जो होता है, यहाँ पे मेटल प्यूरिटी की बात की जा रही है, मतलब दिस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द, किस में आप पढ़ते हैं मेटल के बारे में, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। तो जब केमिस्ट्री में ये पढ़ते हैं और मेटल प्यूरिटी और जिंक, जिंक हम किसको कहते थे, उसमें जो भी आसवन होता था जस्ता, ठीक है, तो उसके बारे में कहा जाता था। इसके सारे चीजों के बारे में हमारे रस रत्नाकर में दिया हुआ है, रस रत्नाकर में धातु की शुद्धता और आसवन के बारे में उल्लेख किया गया था। तो ये हो गए हमारे तीन स्टेटमेंट। अब तीनों स्टेटमेंट में आप देखिए करेक्ट कोड और आपको इसमें से चुनिए, ए है 1, बी है 1-2, सी है 3 और डी है 1-3। चलिए आपको मैं बताता हूं सही क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी, और डी को फिर से देखिए, डी है हमारा 1-3, दैट मीन स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। स्टेटमेंट सेकंड क्या था, द अर्लीस्ट लेटेस्ट एविडेंस अबाउट डिफरेंट मैटर ऑफ कास्टिंग ब्रॉन्ज कैन बी फाउंड इन गरुड़ पुराण। कहा गया, मैंने आपको कास्टिंग बताया, कास्टिंग होती क्या है, कास्टिंग की जो विभिन्न विधि जो थी वो हमने यहाँ पे कहा था कि प्रारंभिक साहित्य प्रमाण इसके मिलते हैं गरुड़ पुराण में, तो ये बात गलत थी। गलत क्या है, सही, इसके जो प्रारंभिक साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं कांस्य के, कास्टिंग के, वो हमारे मत्स्य पुराण में मिलते हैं। ध्यान रखिए, मत्स्य का मतलब होता है मछली, तो हमारे मत्स्य पुराण में ये मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ब्रास वर्क अक्रॉस इंडिया। अब निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत भर में पीतल के काम के महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में सही है। आप एक एक करके उन जो भी कार्य है उनको देखिए जहां पे पीतल के कार्य होते थे, और उसके बाद से किन जगहों से ये संबंधित है वो भी आपको बगल में दिए गए हैं। आपको बस लास्ट में ये देखना है कि किसका मिलान सही है। पहला है गांज तांडव केरला में, डोकरा का जो कास्टिंग था राजस्थान में, तीसरा है पहलदार लैंप वो जयपुर और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, और पेमभरती क्राफ्ट, पेमभरती जो शिल्प होती थी वो तेलंगाना में। तो ये सारा क्या था, ये पीतल के काम थे और उससे संबंधित जगह थी। किसका मिलान सही है, ए है 1-2, बी है 1-2-3, सी है 1-3-4, डी है 2-3-4। मैं आपको बताता हूं करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। सी को फिर से देखिए, सी है हमारा 1-3-4, दैट मींस स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग इन स्टेटमेंट 2, यहां पे देखिए डोकरा कास्टिंग जो है, डोकरा कास्टिंग यहां पे लिखा गया है कि डोकरा कास्टिंग ये जो होती थी ये हमारे राजस्थान में होती थी, लेकिन डोकरा कास्टिंग कहां पे है, देखिए यहां पे डोकरा की कास्टिंग ओडिशा और पश्चिम बंगाल में होती, और ये पीतल से बने आभूषणों के लिए इस्तेमाल किया। कास्टिंग का प्रोसेस मैंने आपको बताया, ढोकरा कास्टिंग जो होती थी वो उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में होती थी, और पीतल का कास्टिंग करके पहले के लोग पीतल से बने आभूषण, गहने, ज्वेलरी वो पहनते थे और उसके लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट हम देखते हैं 92, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फीचर्स ऑफ होयसल आर्किटेक्चर। अब होयसल वास्तुकला की विशेषता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, मल्टीपल श्राइन्स वर बिल्ट अराउंड सेंट्रल पिलर्ड हॉल। उस समय क्या होता था कि एक केंद्रीय स्तंभ होता था, बीच में एक पिलर बन जाएगा और उसके चारों ओर कई मंदिर बनाए जाते थे, किसमें, होयसल आर्किटेक्चर में, होयसल वास्तुकला में। सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं, द वॉल्स एंड स्टेयर्स ऑफ द टेम्पल फॉलोड स्ट्रेट पैटर्न। जो उस मंदिर की दीवारें होती थी और दीवारें और उसकी जो सीढ़ियां स्टेयर्स, मंदिर की दीवारें और सीढ़ियां जो होती थी वो सीधे पैटर्न को, सीधा जो उनका तरीका है कि कैसे सीधे जाएंगी वैसी होती थी। थर्ड स्टेटमेंट में हम देखते हैं, द टेम्पल्स वर बिल्ट ऑन एन अप्रेस प्लेटफॉर्म नॉन एज जगती। अब जो मंदिर बनते थे होयसल वास्तुकला में वो क्या होता था, एक ऊंचा उठा हुआ मंच होता था, उभार वाला मंच होता था, उसमें बनते थे, और उस मंच को हम क्या नाम देते थे, यहां पे देखिए उस मंच का हम नाम देते थे कि उसको जगती कहा जाता था। फोर्थ स्टेटमेंट हम देखते हैं, देयर वाज लेस डेकोरेशन इन द टेंपल। और होयसल वास्तुकला के जितने भी मंदिर बने थे उसमें मंदिरों में सजावट कम होती थी। अब आपको बताना है इसमें से सही कोड क्या है, ए है 1-2, बी है 2-3, सी है 2-3-4 और डी है 1-3। लेट अस सी विच वन इज करेक्ट। करेक्ट आंसर है हमारा डी। डी के फिर से देखते हैं, ओनली 1-3, दैट मींस स्टेटमेंट 2 और 4 आर रॉन्ग। पहला हम देखते हैं स्टेटमेंट 2 को, द वॉल्स एंड स्टेयर टू द टेंपल फॉलोड जिग जैग पैटर्न। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि होयसल जो आर्किटेक्चर है, होयसल आर्किटेक्चर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है,
होयसल आर्किटेक्चर, इसमें कहा गया था कि जो इसकी दीवारें होती थी या फिर इसकी सीढ़ियां होती थी, ये जो दीवारें और सीढ़ियां जो होती थी वो स्ट्रेट होती थी, ये गलत है। होयसल आर्किटेक्चर में जो दीवारें होती थी और सीढ़ियां होती थी वो क्या होती थी, हमारे जिगजैग पैटर्न की होती थी। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट टू गलत। स्टेटमेंट फोर कैसे गलत हुआ? मैसिव एम्फेसिस वाज लेड ऑन द डेकोरेशन ऑफ द टेंपल थ्रू अ स्कल्पचर, बोथ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स, इवन द ज्वेलरीज वर्न बाय द डेटीज वर इंट्रिकेटली कार्व्ड। देखिए, कहा गया था होयसल आर्किटेक्चर में कि आप उसके मंदिरों में घुसते थे, जो भी मंदिर होयसल वास्तुकला से बने होंगे उसमें आप देखिए, बिल्कुल सीधा सीधा बात दिखा कि उसमें डेकोरेशन जो होता था वो बिल्कुल ही कम होता था। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई आप यहाँ पे देख लीजिए, डेकोरेशन वहां पे कम नहीं होता था। डेकोरेशन देखिए, जितना भी इतना ज्यादा वहां पे डेकोरेशन होता था, और वो भी मतलब स्कल्पचर, स्कल्पचर का मतलब होता है कि जो भी आपके पत्थर होते थे उनको काट करके जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उसको स्कल्पचर कहते थे, तो बहुत ज्यादा होता था वो। फिर ये जो सजावट होती थी, डेकोरेशन होता था, वो सिर्फ मंदिर के अंदर नहीं, इंटीरियर वॉल में होगा, बाहर वाले एक्सटीरियर वॉल में भी होगा। इंटीरियर मतलब अंदर वाले वॉल में, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले वॉल में, ठीक है, बाहर की दीवारों में, दोनों जगह पे होता था। इवन जो देवता लोग उसमें होते थे, मंदिरों में देवता होते हैं, और हिंदुओं के मंदिर होते हैं, वैसे बौद्धों और जैनों के भी मंदिर थे, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो भी उसमें देवता होते थे वो जिन आभूषणों को पहनते थे, गहने पहनते थे, उसको भी काफी जटिल रूप से खुदाई कर करके उसको अच्छी तरह से डेकोरेट किया जाता था। सो वी कैन से दैट इन होयसल आर्किटेक्चर द डेकोरेशन ऑफ द वॉल्स फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड एंड इवन द डेकोरेशन ऑफ द ज्वेलरी वर्न बाय द डाइटीज वर वेरी गुड, वेरी मीन्स इट वॉज ऑल वेल डेकोरेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। भाई कथन पढ़िए और सही उत्तर को चुन लीजिए। आप स्टेटमेंट पढ़िए। ब्लैक एंड येलो ऑफ जिंक एंड कॉपर इज इनलेड इन थीन शीट ऑफ सिल्वर टू मेक आइटम्स लाइक हुक्कास, वैसेस इयररिंग्स, सो पीस आइटम। कहा जा रहा है कि ब्लैक एंड येलो ऑफ जिंक, काले और पीले रंग के जस्ते, और कॉपर इज इनलेड इन थीन शीट, और चांदी की, तांबे और चांदी, देखिए कॉपर एंड सिल्वर है, तांबे और चांदी की पतली शीट से जड़ गया था। काले और पीले रंग के जस्ते को तांबे के, तांबे या चांदी की पतली शीट से जड़ गया जाता था, और उससे हुक्का, हुक्का आप जानते हैं हुक्का किसको बोलते हैं, आप वेस्टर्न इंडिया में जाइए या फिर किसी भी रूरल इंडिया में जाइए, वहां पे आप पाएंगे कि कई सारे लोग तंबाकू पीते, तंबाकू के लिए एक बहुत बड़ी सी मतलब एक थोड़ा दूर पर हटके एक गुड़गुड़ी टाइप की होती है, और उसमें क्या होता है, नीचे पानी भरा रहता है और ऊपर से एक लंबा सा डंडा लगा होता है, उसमें मुंह डाल के लोग ऐसे पीते थे, और उसमें आग जलती थी, वहां आग के ऊपर जो होता था तंबाकू रखा होता था, तो उसको कहते थे हुक्का। तो ये जो हुक्का है या फिर इयररिंग्स है, अब जो फूलदान की बालियां होती थी, वेस किसको बोलते हैं, जो फूलदान होता है उसको, या फिर जितने भी सो पीस आइटम होते, सो पीस मतलब दिखावे की वस्तुएं, घर में सजावट की वस्तुएं, ये सारी चीजें किससे बनती थी, चांदी या हमारे तांबे की पतली शीट लिया जाता था, पतली चदरें ली जाती थी, उसके ऊपर काले और पीले रंग के जस्ते से लगा करके ये बनाया जाता। अब ये उपरोक्त विवरण धातु के किस शिल्प से संबंधित है, इतनी कहानी आपने देख ली, अब आपको बताना कि ये जो पूरी कहानी है इट इज रिलेटेड टू विच मेटल क्राफ्ट, किस धातु शिल्प से ये संबंधित है। ए है तरकसी तकनीक ऑफ राजस्थान, राजस्थान की तराशी तकनीक ऑफ राजस्थान। बी है बिदरी क्राफ्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का बिदरी शिल्प। सी है अरनमुल्ला कनडी ऑफ केरला। फिर डी है बारीक काम ऑफ मुरादाबाद। ये चार आपने देख लिए सही, मैं आपको बताता हूं इसमें एक ही सही होगा, करेक्ट आंसर होगा मेरा बी, मतलब कि ये जो पूरी कहानी थी वो कर्नाटका की बादरी शिल्प थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which of the following statement is correct? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? One देखिए, मोजरीस is a specific type of leather footwear famous in Jaipur and Jodhpur. अगर आप नॉर्थ इंडिया से मतलब रहने वाले हैं, या फिर वेस्टर्न वाले हिस्से के रहने वाले हैं, या फिर मिडिल मतलब दिल्ली उल्ली के आसपास के रहने वाले, तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक तरह के जूते पहनते हैं, उनको मोजरी कहा जाता है। अब जो ये मोजरी है, इसमें कहा गया है ये फेमस थी कहाँ की, हमारे जयपुर की, राइट, जयपुर और जोधपुर की। सेकंड स्टेटमेंट, महाराष्ट्र इज फेमस फॉर इट्स कोल्हापुरी चप्पल। अब महाराष्ट्र में एक कोल्हापुरी चप्पल होता है, उसमें एक अंगूठा होगा और चप्पल थोड़ी सी पतली होगी, और मतलब कुर्ता पजामा पे लोग ज्यादा पहनते हैं,
तो कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र की फेमस है, कोल्हापुर नाम से ही है, महाराष्ट्र में है, तो एक तो आपको अंदाजा लगी होगा कि हो सकता है ये सही हो। तीसरा देखिए मनोती आर्ट तकनीक, मनोती कला की जो तकनीक थी, प्रैक्टिस इन जैसलमेर विच इन्वॉल्व्स डेकोरेटिंग आर्टिकल विद कैमल स्किन। अब ये जो था मनोती कला तकनीक कहां मनाई जाती थी, जैसलमेर में प्रचलित थी, जिसमें ऊंट की खाल से सामानों को सजाया जाता था। देखिए यहाँ पे बीकानेर लिखा है, बीकानेर जो ना करके आप इसको क्या कर दीजिए, जैसलमेर कर दीजिए, राइट। सेलेक्ट करेक्ट कोड, सही कोड चुनिए, ए है 12, बी है 13, सी है 23 और डी सारे के सारे सही है। चलिए आप देखिए यहाँ पे कहा है स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है, ए में है 12 इज करेक्ट, दैट मीन स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 3 में क्या था, मनोती आर्ट जो तकनीक है बीकानेर की, हिंदी वाले में डायरेक्टली बीकानेर किसी ने लिख दिया था, लेकिन एक्चुअल में स्टेटमेंट में जैसलमेर है, जैसलमेर नहीं होना चाहिए, व्हाट इट शुड बी, मनोती कला तकनीक राजस्थान के बीकानेर की तकनीक थी, जिसमें ऊंट की खाल से सामानों को सजाया जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं 95, विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वेरियस रीजनल फूडवेयर्स इन इंडिया। नीचे दिए हुए कथनों को आप देखिए और आप बताइए फूडवेयर्स, फूडवेयर्स किसको बोलते हैं, जो भी हम पैरों में पहनते हैं, पैरों में चाहे चप्पल पहन लीजिए, जूते पहन लीजिए, सैंडल पहन लीजिए, मोजरी पहन लीजिए, कुछ भी पहन लीजिए, इनके बारे में कौन से कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कातकी चप्पल मेनली प्रोड्यूस इन उड़ीसा। अब जो कटकी चप्पल है वो उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में, कटकी चप्पल हो सकता है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, कोंगलन स्टिच्ड बूट्स आर ट्रेडिशनल कलरफुल नी लेंथ बूट्स फ्रॉम लद्दाख रीजन। अब कोंगलन स्टिच मतलब कि बुना हुआ, कोंगलन या फिर सिलाई किया हुआ, कोंगलन स्टिच बूट्स जो कि पूरे घुटनों तक का बूट होता था, यह लद्दाख क्षेत्र की पारंपरिक रंगीन घुटने तक की लंबाई वाले जूते के बारे में, कहां की, लद्दाख की। थर्ड देखिए, तीला जूती इज इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियन राजपूताना। अब जो टिल्ला जूती होती है वो भारतीय राजपूताना से प्रेरित है, भारतीय राजपूताना। अब आपको ये लग रहा होगा राजपूत तो भाई हर एक जगह पे हैं, बिहार में मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे, जम्मू कश्मीर में मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, या फिर आप हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हर एक जगह पे आपको राजपूत मिलेंगे, लेकिन राजपूताना कह रहा है टिल्ला जूती, तो राजपूताना कौन सी जगह थी, पुराने टाइम में राजपूताना जो आज का राजस्थान है वही माना जाता है कि मोस्ट ऑफ द जो राजपूत हैं वो वहीं के थे, उस हिस्से को राजपूताना कहा जाता था और वहां से फेमस थी टीला जूती। फोर्थ देखिए, मुल्तानी खुस्सा इज मेनली प्रोड्यूस इन वेस्ट बंगाल। अब ये भी एक फुटवेयर है, मुल्तानी खुश मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है। अब आप चार आपने स्टेटमेंट देख लिए, सही कोड चुने, ए है 12, बी 13, सी 24 और डी 134। सही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी को फिर से एक बार ध्यान से देखिए, बी में क्या है 1 and 3, दैट मीन स्टेटमेंट 2 and 4 आर रॉन्ग। 2 and 4 को एक एक करके देखें, कोंगलन स्टिच बूट्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेस्ट बंगाल, दीज बूट्स हैव थिक लेदर सोल। कोंगलन के जो सिले हुए जूते थे वहां पे क्या लिखा गया था कि वो लद्दाख क्षेत्रों के जूते थे, लद्दाख क्षेत्रों में वो पूरे घुटने तक के प्रारंभिक पारंपरिक उसमें काफी पेंटिंग किए हुए जूते होते थे, बिल्कुल ही गलत है। कहाँ के ये हैं, लद्दाख क्षेत्र के ना उगल करके कहाँ के हैं, वेस्ट बंगाल के जूते थे। और आपका फोर्थ स्टेटमेंट भी आप देख लीजिए, मुल्तानी खुश इज मेनली प्रोड्यूस इन राजस्थान एंड पंजाब एंड इट इज मेड यूजिंग वेजिटेबल टैन लेदर, ठीक है। अब जो मुल्तानी खोसा होता था वो भी एक फुटवेयर है, पैर में ही पहनते हैं, और मुख्य रूप से राजस्थान और पंजाब में ही उत्पादित किया जाता है, और यह वनस्पति के चमड़े का उपयोग करके, वनस्पति का चमड़ा नहीं, चमड़ा तो भाई चमड़े का होता है, लेकिन जो उसकी टैनिंग की जाती है, चमड़े को क्या किया जाता है कि पहले पानी होने में भिगाया जाता है और उसके बाद से उसको धूप में सुखाया जाता है ताकि उसका रंग उड़ जाए, तो उसमें जो मटेरियल उसका रंग उड़ाने के लिए यूज किया जाता था उसको वनस्पति मतलब कि जो वो वेजिटेबल बेस से आता था। तो ये मुल्तानी खुस्सा कहाँ से, राजस्थान और पंजाब से संबंधित है, कोंगलान के सिले हुए जूते हमारे पश्चिम बंगाल से संबंधित। सारे के सारे आपको लग रहा होगा कि फैक्ट्स ही क्यों बोले, क्योंकि भाई आर्ट एंड कल्चर में तो फैक्ट्स ही हैं, यू कैन जस्ट रिलेट द थिंग्स कि अब अभी मैंने आपको राजपूताना बताया, कास्टिंग तकनीक बताई, थोड़ा बहुत आप अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं तो इसमें फैक्ट्स हैं और आपको काफी मजा आएगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं। देखते रहिए, पूरे 500 क्वेश्चंस हैं। 96, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नागमेल टेक्निक ऑफ वुडवर्क इज यूज्ड इन कश्मीर। अब कश्मीर में नागमेल कास्ट की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। सेकंड देखिए, नागमेल टेक्निक यूज्ड इन टेंपल्स। अब जो नागमेल तकनीक थी उसका प्रयोग मंदिरों में होता है,
थर्ड देखिए, कुथरी फूल टेक्निक ऑफ वुडवर्क इज यूज्ड इन हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में लकड़ी के काम की कुथरी फूल तकनीक का उपयोग किया जाता है। चौथा देखिए, इन कश्मीर वॉलनट एंड देवदार वुड्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली। अब कश्मीर में अखरोट और देवदार की लकड़ी को बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। देवदार, अगर आप ध्यान से इन पेड़ों को कभी चित्रों में देखे हैं या कहीं पे भी विजुअल टीवी में वीडियो में कहीं देख रहे हैं, देवदार जो क्या होते हैं, शंकुनुमा जो पेड़ होते हैं, अधिकतर इसलिए बने होते हैं कि वो अगर उन पर बर्फ गिरे तो नीचे आ जाए। लकड़ी काफी अच्छी होती है और वहां की लकड़ियां जो होती हैं हमारी सॉफ्ट वुड होती हैं। तो इस तरह से ठीक वॉलनट अखरोट, अगर आप कभी जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में गए हैं तो वहां पे अगर आप जाएंगे वैष्णो माता वगैरह घूमने जाइए, वहां पे बहुत ज्यादा अखरोट आपको मिलेगा। दैट मीन्स दीज टू थिंग्स, वॉलनट एंड देवदार जो होते हैं वहां की लकड़ियां वहां पे होती हैं। तो अगर उनका यूज काफी ज्यादा हो रहा है फर्नीचर को बनाने में, दूसरी चीजों को बनाने में, तो हो सकता है। तो ये हमारे पास चार स्टेटमेंट हो गए, आपको चुनना है सही कोड क्या है। सही कोड क्या है? A12, B124, C23 और D है 234। चलिए आपको मैं दिखाता हूं क्या है। करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा डी। डी में ऑलरेडी 234 आर करेक्ट एंड ओनली वन स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? नागवेल की तकनीक को यहां पे बताया गया था कि नागवेल टेक्निक ऑफ वुडवर्क यूज्ड इन कश्मीर। यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल कश्मीर लिखा है, कश्मीर गलत है। क्या होना चाहिए? नागवेल तकनीक जो थी वो कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की तकनीक है, बिल्कुल ही इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 97। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट आप देखिए कौन सा सही है, उसके बाद से हम कोड चुनेंगे। फर्स्ट देखिए, कोंडापल्ली बोमालू टॉयज आर मेड यूजिंग सॉफ्ट वुड। अब कोंडापल्ली बोमालू खिलौने एक नरम लकड़ी का प्रयोग करके बनाया जाएगा। सेकंड आप देखिए, चन्नपटना टॉयज आर ट्रेडिशनली मेड फ्रॉम आइवरी वुड्स। अब चन्नपटना के खिलौने परंपरागत रूप से हाथी दांत की लकड़ी से बनाए जाते हैं। हाथी दांत की लकड़ी तो होगी नहीं, हाथी दांत से ही बनते होंगे। थर्ड देखिए, अंबारी हाथी इज अ पॉपुलर टॉय ऑफ केरल। ठीक है, अंबारी हाथी केरल का एक लोकप्रिय खिलौना है। करेक्ट कोड चुने, ए है 1, B है 2, C है 3 एंड D है हमारा 1 एंड 2। आप देखिए क्या सही होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी। करेक्ट ऑप्शन डी मीन्स स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज राइट, दैट मीन्स स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 3 देख लीजिए, अंबारी हाथी ये पॉपुलर टॉय कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। यहाँ पे देखिए, दिस इज नॉट केरला, अंबारी हाथी आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय खिलौना है। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 98। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच इन कॉन्टिन्यूस फ्लोर डिजाइन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में कौन सा भारत के फर्श के डिजाइन के संदर्भ में सुमेलित है, मतलब इनका मिलान सही से किया गया। फर्श आपके घरों में, आप नए जमाने में रहते हैं, कई लोगों के फर्श जो होंगे मिट्टी के बने हैं, कई लोगों के फर्श जो है उसमें दाने पड़े हुए हैं, कई लोगों के फर्श जो है आपके मार्बल के बने हुए हैं, कई लोग फर्श में टाइल लगवाते हैं, कुछ लोग ग्रेनाइट लगवाते हैं। तो इसी का मिलान करना है कि कहाँ पे फर्श लगाने की जो डिजाइन था वो कहाँ का फेमस। पहला देखिए, चौकपुर राजस्थान का, सांथिया गुजरात का, मंदाना राजस्थान का, आईपन हिमाचल प्रदेश का। अब आपको बताना है कि सही कोड कौन से हैं। ए है 1, B है 1, 2, 3, तीनों सही मिलाए हैं, चौथा गलत हो सकता है। सी है 2, 3, 4 और डी है 2 एंड 4। अब आप देखिए कि कौन सा सही होगा। करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। लेट अस हैव अ लुक एट ऑप्शन सी। 2, 3, 4 इज राइट, दैट मीन स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 हमारा क्या हो गया कि जो चौक पुरना तकनीक है वो पंजाब और उत्तर प्रदेश के फर्श की डिजाइन बनाने की तकनीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है? चौक पुरना तकनीक, यहाँ पे राजस्थान लिखा है, राइट। राजस्थान ये जो है हमारा नहीं होगा, क्या होगा? पंजाब एंड यूपी। यूपी के जो फर्श बनते हैं पंजाब और यूपी के, वहां पे तकनीक कौन सी लगती थी, उसको हम कहते थे चौकपूर्णा। नेक्स्ट हम देखते हैं, 99। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड इन कॉन्टेक्स्ट विद फेमस हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया। भारत में प्रसिद्ध हस्तशिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं? फर्स्ट देखिए, मोलेला क्ले राजस्थान से, गंभीर मास्क वेस्ट बंगाल से, तीसरा है बिट्टी चित्र मध्य प्रदेश से, चौथा है पेपर माचे जम्मू एंड कश्मीर से। देखिए क्या कहा जा रहा है, हस्तशिल्प की
बारे में, हस्तशिल्प जो हाथ से जो शिल्प बने हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उन हैंडीक्राफ्ट्स में ये चार दिए गए हैं, चार तरह के हैंडीक्राफ्ट, चार तरह के नाम, आपको बताना है इनमें से कौन से सही से मैच है। हम देखिए देख रहे हैं हमारे पास स्टेटमेंट जो है ये चार हो गई, कोड्स ऑफ हम देखेंगे, ए है 1 2, बी है 1 2 3, सी है 1 2 4, डी है 3 4। चलिए बताइए इसमें कौन सा सही है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा सही है। करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। सी को एक बार फिर से देखिए, सी में 1 2 and 4 इज राइट, स्टेटमेंट फॉर 2 and 4 आर राइट, दैट मीन स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 3 में क्या है, भित्ति चित्र वहां पे लिखा गया था कि मध्य प्रदेश से संबंधित है और मध्य प्रदेश में फेमस है, लेकिन भित्ति चित्र कहा है, भित्ति चित्र राजस्थान के एक प्रसिद्ध हस्तशिल्प है या एक मिट्टी की दीवार की पेंटिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं 100। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया, भारत में हस्तिक हस्तशिल्प के बारे में ही निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द थीम ऑफ द गंभीर मास्क हैंडीक्राफ्ट इज द मास्क ऑफ गॉडेस काली। अब जो गंभीर मास्क, मास्क किसको बोलते हैं, मुखौटा, जो गंभीर मुखौटा हस्तकला है वह एक विशेष तरह का मुखौटा था जो देवी काली का मुखौटा। सेकंड अब देखते हैं, थेवा आर्ट वर्क इज अ टाइप ऑफ टेराकोटा टाइल्स एंड मूरल्स। अब थेवा कला एक प्रकार का टेराकोटा टाइल और भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, मूरल्स उसको कहते हैं अंग्रेजी में, और उसका मतलब होता है किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर या दीवार के ऊपर जो भी पेंटिंग वगैरह करके चीजें बनाई जाती थी बहुत पुराने टाइम से, उसको हम कहते थे मूरल्स या भित्ति चित्र। अब यहाँ पे थेवा आर्ट वो थी एक टेराकोटा टाइल। टेराकोटा क्या होता है, आप मिट्टी की चीजों का चीज बनाइए पॉटरी टाइप, फिर उसको पका दीजिए और वो एक स्पेशल टाइप की थोड़ी मिट्टी होगी, चिकनी मिट्टी, और उससे टेराकोटा वर्क जो है वो बनता था। तो थेवा कला एक प्रकार का टेराकोटा टाइल और भित्ति चित्र है। हमारे पास दो स्टेटमेंट हो गए, सेलेक्ट द करेक्ट कोड, ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है नन ऑफ देम। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। ए को हम फिर से देखेंगे, ए में है ओनली 1 इज राइट, दैट मीन स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 क्या गलत है भाई, थेवा कला के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, थेवा कला में मैंने कहा आपको कि टेराकोटा और मूरल ये सारी चीजें यूज होती थी, ठीक है। थेवा कला एक प्रकार का टेराकोटा टाइल्स और भित्ति चित्र है, गलत है। क्या गलत है देखिए यहाँ पे, थेवा कला राजस्थान का एक कला है, इसमें नथुनी सोनावेला का आविष्कार था। नथुनी सोनावेला कोई व्यक्ति रहे होंगे, उनका ये आविष्कार था। एंड इट वॉज यूज इन मेकिंग ऑब्जेक्ट लाइक कॉम, हेयर बैंड, कोट बटन, फोटो फ्रेम एंड ज्वेलरी आइटम्स। अब ये जो नथुनी सेनावाला ने थेवा कला बनाई थी, राजस्थान के थे, उसका उपयोग कंघी जो जिसे बाल झड़ते हैं, हेयर बैंड जो औरतें लगाती हैं बालों को पीछे की तरफ सलीके से मोड़ के रखने के लिए, कोट बटन, कोट के जो बटन होते थे, फोटो के फ्रेम या फिर ज्वेलरी के आइटम, इन वस्तुओं को बनाने के लिए थेवा कला जो कि राजस्थान की थी वो फेमस थी। ये मूरल पेंटिंग या फिर टेराकोटा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। फिर से आप देखिए कौन से सुमेलित है, सुमेलित मतलब जिनका मिलाप सही से। आप देखिए जगहों के बारे में है, केव्स के बारे में है या फिर दूसरी चीजों के बारे में, और कहां से संबंधित है उसके बारे में है। पहला है एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र से संबंधित है, हुमायूं टॉम, हुमायूं का मकबरा आगरा में है। तीसरा है रानी का वाव कर्नाटका में है। चौथा है केवलदेव नेशनल पार्क, ये भरतपुर राजस्थान में है। चार हो गए हमारे पास, चलिए हम करेक्ट कोड को चुनेंगे। ए है 1 2, बी है 1 3, सी है 1 and 4 और डी है 2 and 3। चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। सी में क्या है, 1 and 4, दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 and 3 आर रॉन्ग। 2 and 3 को हम एक एक करके देखें। हुमायूं का जो टॉम्ब है वहां पे क्या लिखा था, हुमायूं टॉम्ब इज देयर इन आगरा, राइट। यहां पे देखिए ये लिखा है आगरा, आगरा को काटिए, लिखिए बगल में न्यू दिल्ली, ठीक है। हुमायूं का टैंक कहाँ है, न्यू दिल्ली या फिर मतलब आपके दिल्ली में है। फिर रानी का बाव सिचुएटेड इन कहाँ, गुजरात में। यहाँ पे क्या लिखा था, रानी का बाव कहाँ है, कर्नाटक में, राइट। यहाँ पे कर्नाटक है, इसको काटिए, लिखिए यहाँ पे गुजरात। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है। फर्स्ट देखिए, ऑल द 7 नोट्स ऑफ द राग क्रहर प्रिया कैन बी फाउंड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर इन सामवेद। अब जो राग खारा प्रप्रिया के सभी 7 नोट हमें सामवेद में
अवरोही क्रम में मिल सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले बड़ा वाला, फिर छोटा वाला, फिर उससे छोटा, फिर सामवेद में मिल सकते हैं। सामवेद क्या है और यहां पे किसके बारे में, राग के बारे में कहेंगे। अगर मैं कोई राग कहता हूं, दैट मींस इट इज वेरी मच क्लियर दैट इट इज रिलेटेड टू द म्यूजिक। राग तो भाई म्यूजिक से ही संबंधित होगा, चाहे कोई भी राग हो। और यहाँ पे सामवेद की बात कही जा रही है, हिंदुओं के जो चार वेद हैं आप जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनमें जो सामवेद है, यूजुअली जो भी चीजें, जो भी अनुष्ठान ऋग्वेद में दिए गए थे, उनको गा करके म्यूजिक के माध्यम से रागों में तोड़ करके जो सुनाया जाता था वो सामवेद में था। सामवेद में ये बात कही जा रही है कि जो राग खारा प्रिया के जो सात नोट है वो अवरोही क्रम में सामवेद में यह मिल सकते हैं आपको। सेकंड आप देखिए, द साइंस ऑफ म्यूजिक कॉल्ड द गंधर्व वेद। अब संगीत के विज्ञान को गंधर्व वेद कहा जाता है। आप देखिए सेलेक्ट द करेक्ट कोड, चुनिए सही कौन सा इसमें से, ए है वन, बी है टू, सी है वन एंड टू, और डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ देम। करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी मतलब कि बोथ वन एंड टू आर राइट। बात सही है, जो हिंदुओं का जो वेद है सामवेद, सामवेद खासकर म्यूजिक से संबंधित है, जो भी अनुष्ठान है या जो भी हाइम से उसमें गा के सुनाए गए हैं, जहां पे भी गाना म्यूजिक आता है, राग ऑटोमेटिक आते हैं, वहीं पे खारा प्रिया है। खारा प्रिया के जो सात नोट हैं वो अवरोही क्रम में सामवेद में सजाए गए हैं। उसके बाद से दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि जो आपके संगीत का विज्ञान है, संगीत का विज्ञान, विज्ञान में बोलूं तो ओनली इट्स नॉट रिलेटेड टू खाली फिजिक्स पढ़ लिया, बायोलॉजी पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया या फिर ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह ये सारी चीजें पढ़ ली, वो ही साइंस नहीं है। साइंस का मतलब विज्ञान, किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान, विज्ञान हो गया। तो संगीत का विशेष ज्ञान को हम क्या कहते हैं, गंधर्व वेद कहते हैं। तो आपने देखा दोनों ही हमारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं 103। Which of the following statement is correct? देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट हमारे पास, संगीत रत्नाकर वॉज रिटन बाई रामामत्य। पहला संगीत रत्नाकर जो होते हैं राम माता द्वारा लिखा गया था। दूसरा है जतिगन इज अ टाइप ऑफ म्यूजिक, जतिगन एक प्रकार का संगीत था। तीसरा 22 की ऑफ ऑक्टेव वर रिकॉग्नाइज एज श्रुतिस। अब सप्तक की जो 22 कुंजियां थी उनको श्रुतियों के रूप में पहचाना गया था। हम देखते हैं कि इसमें सेलेक्ट आपको करना है कि सही कौन सा है। कोच आप कर पाते हैं नहीं, ए वन टू, बी है टू थ्री, सी है टू और डी है ओनली थ्री। आपको मैं बताता हूं करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। बी को फिर से देखिए, बी है हमारा टू थ्री सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट वन गलत है। संगीत रत्नाकर को कहा गया कि इसको लिखा है राम माते ने, लेकिन ये बात गलत है। किसने लिखा है संगीत रत्नाकर को, सारंग देव ने इसको लिखा है। नेक्स्ट हम चलते हैं 104। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गुरुकुल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुकुल प्रणाली के बारे में सही है। अब गुरुकुल, अगर आपने महाभारत रामायण ये सारी चीजें देखी हैं तो आपको लग गया होगा कि गुरुकुल होता क्या है। गुरुकुल एक ऐसी जगह होती थी जहां पर विद्यार्थी जाते थे और गुरु के यहाँ ही रहते थे, और उनका पूरा जो शिक्षा का पीरियड था, शिक्षा की अवधि होती थी, वो गुरु के ही घर में रह करके वो सीखते थे। अब चाहे वो किसी के भी बच्चे हों, चाहे राजा के हों या फिर एक कॉमनर के हों, प्रजा के हों, किसी के भी बच्चे हों, वहां पे जब जाएंगे तो गुरु के हिसाब से लकड़ी भी काटनी पड़ेगी, गुरु के हिसाब से आपको युद्ध कला भी सीखनी होगी अगर आप उससे संबंधित हैं, गुरु के हिसाब से आपको भिक्षा भी मांगना होगा ताकि आपके ईगो को नीचे रखा जा सके। तो ये सारी चीजें गुरु अपने शिक्षा देने के दौरान समझा देते थे। अब देखिए गुरुकुल के बारे में कहा जा रहा है पहला स्टेटमेंट कि गुरुकुल प्रणाली जो था उसको आश्रम भी कहा जाता था। दूसरा है आश्रम वॉज गिवन पैट्रोनेज बाय द किंग्स एंड वेल्थी पर्सन ऑफ द सोसाइटी। अब जो आश्रम को समाज के राजाओं और धनी व्यक्तियों द्वारा संरक्षण दिया जाता था, मतलब कि वही गुरुओं को ऐसे फंडिंग करते होंगे या फिर उनको कहते होंगे कि ठीक है आप आश्रम बनाइए जहां पे लोग आके पढ़ेंगे। मीन्स इट वॉज लाइक, मतलब आज के जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हो गए ये सिस्टम ही अलग है। वहां पे आप पे करते हैं, वहां पे रहते हैं एंड आप जो है जीवन के मतलब डे टू डे चीजों से चलते हुए मोस्टली फोकस किया जाता है आपके करिकुलर एक्टिविटीज पे, ठीक है, तो उससे पाठ्यक्रम से संबंधित होता है। लेकिन गुरुकुल में आपको पूरे जीवन का अच्छे से ज्ञान मिल जाता है। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि आश्रम को समाज के जो राजा होते थे या धनी व्यक्ति होते थे उसको संरक्षण देते थे। थर्ड देखिए, इन दिस सिस्टम द टीचर एंड द स्टूडेंट रिलेशनशिप वॉज नॉट वेरी क्लोज। अब आश्रम में
कहा जाता है जो शिक्षक और छात्र होते थे उनका रिश्ता बहुत करीबी नहीं होता। फोर्थ देखिए तो स्टूडेंट हैड टू लिव इन द आश्रम फॉर 14 ईयर्स। अब छात्रों को 14 साल तक इन धर्मशालाओं में या फिर आश्रमों में या गुरुकुल में रहना पड़ता था। अब आपको बताना है कि ये जो चार स्टेटमेंट हमने बताए उसके बाद उसके बारे में एक्सप्लेन भी पहले ही कर दिया, तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। सेलेक्ट द करेक्ट कोड, ए है 1, बी है 1, 2, सी 3 है 1, 4 और 4 है हमारा 1, 2, 3। सॉरी मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करता हूँ, यहाँ पे एक्चुअल में जो ए लिखा है वो ए रखिए, यहाँ 2 के बदले यहाँ पे बी मानिए, बी है 1 एंड 2 और ये सी मानिए, सी है 1 एंड 4 और इसको मानिए डी और डी है 1, 2, 3। चलिए हम देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। बी में क्या था 1 एंड 2, 1 एंड 2 हमारे सही थे, बिल्कुल क्लियर है कि स्टेटमेंट 3 और 4 जो है वो बिल्कुल ही गलत हो। 3 और 4 को हम देखते हैं अच्छे से। 3 में लिखा है कि इन दिस सिस्टम द टीचर वाज टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप वाज नॉट वेरी क्लोज। ये बिल्कुल ही बात गलत है। अगर आप आश्रम सिस्टम को देखें, गुरुकुल सिस्टम को देखें, तो आप पाएंगे कि उस समय में कैसे जब द्रोणाचार्य थे तो उनका लगाव अपने शिष्यों से काफी ज्यादा था और उसमें अर्जुन के प्रति तो कुछ ज्यादा ही था। तो यह बात इसी सिरे से यहीं पे काट दी जाती है। आप नॉर्मल भी इसको काट सकते थे। तो थर्ड तो हमारा गलती हो गया। 4 देख लिए, द स्टूडेंट हैड टू लिव इन द आश्रम फॉर 14 ईयर्स। यहाँ पे बिल्कुल साल निर्धारित कर दिए, 14 साल तक रहना है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या था, इस प्रणाली में छात्रों को 12 साल तक आश्रम में रहना पड़ता था, इट वॉज नॉट 14 ईयर्स। ये कितना है, बिल्कुल ही आप इसको मार्क कर लीजिए, 12 साल तक कोई भी अगर गुरुकुल में जाता तो 12 साल तक रहता था। नेक्स्ट हम देखेंगे 105, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द्रुपद स्टाइल। द्रुपद शैली के बारे में आप क्या समझते हैं, चलिए आप देखिए क्या है। ए है ये एक पेंटिंग की स्टाइल थी, पेंटिंग की शैली है चित्रकारी की। बी है यह एक बुनाई की शैली है। सी है सिंगिंग गायन की शैली है और डी है डांसिंग नृत्य की शैली है। सही कोड चुनिए, इसमें क्या सीधा सीधा बात बताना है आपको कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा मेरा सी, जो द्रुपद शैली है वो गाना गाने की शैली है, मतलब कि द्रुपद राग, द्रुपद एक राग भी है या फिर ये जो है गायन की एक शैली है। नेक्स्ट हम चलते हैं 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। आप इसको देखिए और आपको बताइए कि इनमें से कौन से सही से मैच। हमारे पास है गंधार, ठीक है, गंधार ग, ग जो है वो टॉनिक। फिर पंचम डोमिनेंट प्रमुख। निषाद, निषाद क्या है, सब टॉनिक। ऋषभ र, ये क्या है, गा पा नी रे, ठीक है। आपने सुना है अगर म्यूजिक में पहले हम लोग, अभी तो शास्त्रीय संगीत कहाँ होता है, आजकल तो गाने दूसरे ही तरह के होते थे, जब हम म्यूजिक सुनते थे तो उसमें होता था सा रे गा मा, ठीक है, पा दा नी और उसके बाद से ये हो गया और फिर से यहीं से फिर शुरू हो जाता था सा, फिर वही रे मा पा। तो इसमें से सा जो है कुछ और होगा। यहाँ पे गा का मतलब दिया गया है कि गंधार, पा का मतलब पंचम और पंचम जो था वहां पे जो राग होता था जो आपकी आवाज चढ़ेगी वो डोमिनेंट आवाज, फिर नी ये सब टोनिक होगा, ऋषभ ये मध्यम आवाज से आएगी। तो ये था आपके म्यूजिक से संबंधित। इसमें आपको बताना कि कौन सा सही है, गंधर्व टॉनिक है कि नहीं, पंचम जो है प्रमुख है कि नहीं, निषाद सब टॉनिक है कि नहीं और ऋषभ जो है वो मध्यम है कि नहीं। सही कोड चुनिए, ए है 1, 2, बी है 2, 3, सी है 1, 4, डी है सारे के सारे इसमें सही हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा। लेट अस सी द ऑप्शन बी, बी में 2, 3 सही है, दैट मीन स्टेटमेंट 1 एंड 4 आर रॉन्ग। लेट्स डिस्कस 1 एंड 4 1 बाय 1। 1 को देखते हैं, गंधार ग टॉनिक था, नहीं, ग में द वर्क ऑफ गंधर पिच इज मीडियंट, ये मध्यम स्वर का होता था। जब भी सारे गामा में जब जहां ग आएगा वो गंधर्व हुआ और उसका स्वर जो रहना है मध्यम रखना है। फिर द वर्क ऑफ ऋषभ पिच इज सुपर टॉनिक, जहां पे भी र आता सा रे आता था उसका मतलब, रे का मतलब ऋषभ हो गया, रे जहां पे आएगा वो मध्यम नहीं है, वो सब टॉनिक है, सुपर टॉनिक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है हमारे पास श्रुति इज द स्मॉलेस्ट ग्रेडेशन ऑफ पिच। श्रुति जो होती थी वो पिच का, पिच क्या होती है, किसी चीज की आवृत्ति, मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज कितनी मतलब कर्कश है या कितनी मधुर है
ये सारी चीज हमारे पिच से ही डिसाइड होती है, ठीक है। तो ये पिच होती है आवृत्ति, कितना ऊंचा आवाज चढ़ रहा है, कितना कितनी पतली आवाज, अगर आवाज पतली है इसका मतलब कि उसका पिच जो है ज्यादा है। तो श्रुति पिच का सबसे छोटा उन्नयन है, स्मॉल ग्रेडेशन। दूसरा देखिए राग, फ्रॉम द बेसिस ऑफ रिदम। राग जो होते थे फॉर्म द बेसिस ऑफ रिदम, रागों से ही लय बनता है, मतलब राग ही जो है वो लय के आधार। थर्ड देखिए द वर्ड राग कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड रंज। अब जो राग हम कहते हैं वो संस्कृत का एक शब्द है और रंज से आया है। तीन स्टेटमेंट आपको मिल गए, सही कोड आप चुन लीजिए। ए है वन, बी है टू, सी है वन एंड टू और डी है वन एंड थ्री। मैं आपको दिखाता हूं करेक्ट ऑप्शन हमारा डी। डी जो है डी को देखिए, डी इज वन एंड थ्री, दैट मीन स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। स्टेटमेंट टू क्या है, राग जो है ये फॉर्म द बेसिस ऑफ मेलोडी, राग मधुर गीत के आधार होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा था, राग लय के रिदम के आधार नहीं होते हैं, किसके आधार होते हैं, मेलोडी के, मधुरता। 108 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट आप देखिए कौन सा सही है। पहला, राग भैरव इवोक्स ग्लैडनेस। राग भैरव जब कोई गाता है तो उससे यह पता चलता है कि वो हर्ष है, हर्षित है, खुश है, तो यहाँ पे हर्ष को स्पष्ट किया जाता है। सेकंड है, राग मेघ इवोक्स करज। जब राग मेघ कोई गाता है इसका मतलब कि वो साहस का परिचय दे रहा है। तीसरा है, राग हिंडोल इवोक्स स्वीटनेस ऑफ अ यंग कपल। जब राग हिंडोल गाया जाता है इसका मतलब किसी युवा जोड़े की मिठास के बारे में, यहाँ पे उसके बारे में वंदना की जा रही है या उसको माना जा रहा है। फोर्थ है, राग दीपक, दीपक राग जब गाया जाता है तो ये इट इवोक्स कंपैशन। राग दीपक में करुणा झलकती है। पहले बहुत पहले आप सुनेंगे कि दीपक राग जब कोई बहुत ही अच्छा संगीतकार गाना शुरू कर देता था तो अपने स्वरों की या रिदम की मतलब आवृत्ति को इतना बढ़ा देता था, इतनी जबरदस्त पीच होती थी कि मतलब चीजें जलने लगती थी और उसके बाद से दीपक जल जाते थे कहा जाता है, ये मिथ्स है। तो इसलिए उसको दीपक राग कहा जाता है, लेकिन दीपक राग वास्तव में यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया है कि दीपक राग करुणा से संबंधित है। जब आप किसी के दुख को देख करके आप खुद दुखी हो जाते हैं और उसके प्रति कंपैशन दिखाते हैं तो वो हमारा दीपक राग, तब आप अगर संगीतकार हैं तो दीपक राग गाते हैं। ये चार स्टेटमेंट हो गए, करेक्ट कोड चुनिए। ए है 1 2 3, बी है 2 3 4, सी है 1 4 और डी है ऑल ऑफ द अबव। मैं आपको बताता हूं करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। बी का मतलब हुआ कि 2 3 एंड 4 आर राइट, दिस मीन्स स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। 1 को देखिए, राग भैरव इवोक्स पीस। यहां पे क्या था, राग भैरव हर्ष को स्पष्ट करता है, यह बताया गया था कि राग भैरव इवोक्स ग्लैडनेस, इट इज रॉन्ग। राग भैरव इवोक्स व्हाट, इट इवोक्स पीस, यह शांति को दर्शाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप स्टेटमेंट देखिए, बताइए कौन सा सही है। फर्स्ट है, डिपेंडिंग ऑन द एसेंट एंड डिसेंट ऑफ द नोट्स दैट रागास कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 स्पीड्स और लय। अब स्वरों के आरोहण, आरोहण क्या होता है, आपने नॉर्मल भी आज खेर को सुन लीजिए, क्लास खेर को, बाकी सारे कई सारे जो मतलब अच्छा गाते हैं सूफी संगीत और इस टाइप के जो गायक हैं उनका देखिए कि आवाजों को चढ़ाते हैं ऊपर, उसको बोलते हैं आरोहण, एसेंट। और फिर कभी कभी आवाज को गाना गाते गाते आवाज को नीचे लाते हैं, उसको बोलते हैं डिसेंट, अवरोहण। तो आरोहण, स्वरों के आरोहण और अवरोहण, मतलब एसेंट एंड डिसेंट के हिसाब से जो रागों की 5 गतियां होती हैं, हाँ, रागों को 5 गतियों में बांटा जा सकता है, 5 स्पीड्स या 5 लयों में बांटा जा सकता है। एक बात हो गई। दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए, देर आर 6 मेन राग्स अंडर हिंदुस्तानी म्यूजिक। अगर हम हिंदुस्तानी संगीत की बात करें तो इसके अंतर्गत 6 मुख्य राग हैं। थर्ड देखिए, सामवादी संवादी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट ऑफ द राग। राग के सबसे महत्वपूर्ण स्वर को संवादी कहा जाता है। आपने तीनों स्टेटमेंट देख लिया, अगर आपको अंदाजा है आप बताइए कौन सा सही है। सही कोड चुनिए, ए 1 B 2 C 2 3 और डी ऑल ऑफ द एवर। देखिए यहां पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। बी है 1 2, दैट मीन स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर रॉन्ग।
वन एंड थ्री दोनों को ध्यान से देखते हैं। मैंने आपको अभी अभी बताया था, गाना गाते समय जब आवाज को आप चढ़ाएंगे उसको बोलते हैं असेंट, हिंदी में कहिए आरोहण। जब नीचे लाएंगे तो उसको बोलते हैं अवरोहण, इंग्लिश में कहते हैं डिसेंट। तो जब आप आवाज को चढ़ाएंगे और नीचे उतारेंगे तो उसके हिसाब से रागों को तीन गतियों में बांटा जा सकता है। पहले में यहाँ पे क्या लिखा है, रागों को पांच गतियों, पांच लय में बांटा जा सकता है, ये गलत है। रागों को तीन लय में बांटा जाएगा और वो तीन लय क्या होंगे, विलंबित, धीमा, मध्यम मतलब मध्यम, द्रुत गति मतलब तीव्र, यही तीन लय होते हैं। ये हो गया। अब आप देखिए स्टेटमेंट थ्री, हाउ इट इज रॉन्ग। कहा जाता है वादी, वादी को कहा जा रहा था कि राग के सबसे महत्वपूर्ण स्वर को यहां पे कहा जाता था कि संवादी कहते हैं। संवादी द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट ऑफ द राग, नो इट्स रॉन्ग। राग का जो सबसे महत्वपूर्ण स्वर है उसको संवादी नहीं है, सम वैसे ही जुड़ा है। क्या है ये हमारा वादी है, तो ये वादी हमारा सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 110, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट आप देखिए कौन सा, बताइए कौन सा सही है। श्री श्रृंगार रस, श्रृंगार रस इवोक्स लव, श्रृंगार रस प्रेम को उद्घाटित करता है, मतलब लव को बताता है, प्रेम को बताता है। सेकंड है रौद्र रस इवोक्स हॉरर, रौद्र रस जो है वो भयावहता को बताता है। थर्ड है हास्य रस इवोक्स ह्यूमर, हास्य का मतलब ही हंसना होता है, हास्य रस जो है वो हास्य को बताता है। थर्ड है विभत्स रस इवोक्स डिस्गस्ट, विभत्स रस जो है वो घृणा को बताता है। सेलेक्ट द करेक्ट कोड, ए हम देखेंगे 1 और 3, बी है 1, 2, 3, सी है 1, 3, 4, डी है ऑल ऑफ द अबव। मैं आपको बताता हूं कौन सा सही होगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी, मीन्स 1, 3 और 4 आर राइट, दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 हाउ इट इज रॉन्ग, रौद्र रस के बारे में कहा जाता है। रौद्र रस यहां पे क्या लिखा था, रौद्र रस इवोक्स हॉरर। अगर कहीं रौद्र रस गाने में या फिर किसी कविता में आपको सुनाई देता है इसका मतलब आपको डरना नहीं है। इट डजंट मीन टू मेक यू स्केर्ड, आपको डराने के लिए नहीं है। क्या है, रौद्र रस क्रोध को जगाता है। अगर आप सुनेंगे क्रोध को आपको मतलब आपको गुस्सा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 111, क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट देखिए बताइए कौन सही है। पहला हिंडोल इज अ काइंड ऑफ ताल, हिंडोल एक प्रकार का ताल है। सेकंड देखिए यूनिक पॉइंट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ताल इज दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द म्यूजिक दैट एक्कंपनीज इट। अब ताल की अवधारणा के बारे में जो अनोखी बात है वो यह है कि यह उस संगीत से स्वतंत्र है जो इसके साथ आता है। आप सुने हो कि न सुर है न ताल है, मतलब कि जब भी कोई गाना गाते हैं तो एक तो आपका सुर जाना चाहिए गाने के हिसाब से, उतार चढ़ाव, आरोहण अवरोहण, एसेंट डिसेंट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके अलावा अगर उसके साथ म्यूजिक भी है, मतलब कोई तो उसमें जो ताल की थापे वगैरह पड़ती थी, तो अगर किसी गाने के साथ ताल है तो वो उस संगीत के साथ जिसके साथ वो बज रहा है उससे बिल्कुल स्वतंत्र एंटिटी है, बिल्कुल अलग है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, म्यूजिक कंपोजर्स यूजुअली यूज 3 ताल दैट हैज 16 बीट्स। अब जो संगीतकार हैं वो आमतौर पर 3 तालों का ही उपयोग करते हैं जिसमें 16 बीट होते हैं। तीनों स्टेटमेंट आपने देख लिया, सेलेक्ट द करेक्ट कोड, सही कोड चुनिए, ए है 1, बी है 2, सी है 1 और 3 और डी है 2 और 3। चलिए आप देखते हैं करेक्ट ऑप्शन डी होगा हमारा, डी मतलब कि कथन 1 गलत है। डी को आप यहां पे फिर से देख लिए, डी में 2 और 3 इज राइट, दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 हाउ इट इज रॉन्ग, हिंडोल जो है वो एक प्रकार का राग है। इसमें क्या कहा गया था, हिंडोल एक प्रकार का ताल है, राइट। तो ताल कैसे होगा, ताल नहीं है, क्या है ये, राग है, हिंडोल, हिंडोल के बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 112, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट थाट। अब थाट के बारे में बताएं कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, दैट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रागस इन डिफरेंट ग्रुप, रागों के समूहों, थाट विभिन्न समूहों में रागों के वर्गीकरण की एक प्रणाली। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, अंडर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, अब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बारे में 7 थाट वर्गीकृत किए गए, तो 7 थाट क्लासिफिकेशन हैज बीन अडॉप्टेड। थर्ड आप देखिए, थाट कैन ओनली बी संग इन आरोही, थाट केवल आरोही में गाया जा सकता है, जब आवाज को चढ़ाया जाए तभी आप थाट गाएंगे। फोर्थ देखिए, थाट हैज आल्सो इमोशनल क्वालिटी लाइक राग, अब थाट में भी राग की तरह ही भावनात्मक गुण होते हैं। आपने चारों स्टेटमेंट देख लिए, सेलेक्ट द करेक्ट कोड, ए है 1, 2, बी है 1, 3, सी है 1 और 4 और डी है 2 और 4।
मैं आपको बताता हूं क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। बी इफ आई से दैट मींस स्टेटमेंट वन एंड थ्री आर राइट, दैट मींस स्टेटमेंट टू एंड फोर आर रॉन्ग। टू एंड फोर गलत हो गए, एक एक करके वी विल चेक कि भाई क्या गलत है। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, शास्त्रीय संगीत है, वहां पे आप पाएंगे कि 10 थाट है। यहाँ पे क्या लिखा गया था स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में आपको एक बार फिर से दिखा दूं, यहाँ पे लिखा गया था कि हिंदुस्तानी क्लासिकल में देर आर 7 थाट क्लासिफिकेशन। गलत है, कितने हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में? 10। 10 जो है 10 थाट है, ठीक है। फिर स्टेटमेंट नंबर 4 देखते हैं, थाट हैज नो इमोशनल क्वालिटी अनलाइक राग, ठीक है। अब राग आप सुनेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट इमोशन आपने देखा, ठीक है, वो सारी चीजें रागों में होती हैं, वो भावनात्मक होते हैं, लेकिन थाट आप में, थाटों में कोई भावनात्मक गुण नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 113, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट आप देखिए कौन सा, बताइए कौन सही है। फर्स्ट है द ग्रेजुअल एक्सपोजिशन ऑफ द राग दैट इंपल्सेस ऑन वादी समवादी एंड अदर साइलेंट फीचर्स ऑफ द राग इन स्लो टेम्पो इज कॉल्ड एन अलाप। अब धीमी गति से वादी, समवादी और राग की अन्य मुख्य विशेषताओं पर बल देने वाले राग को क्रमिक उद्घाटन आलाप कहलाता है। स्टेटमेंट 2 देखिए, मुखड़ा इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन। अब जब आप संगीत सीखते हैं या संगीत गा रहे होते हैं तो मुखड़ा संगीत रचना का पहला भाग होता है। थर्ड देखिए, द बेसिक नोट्स इन स्लो टेम्पो आर कॉल्ड तान। अब जब धीमी गति में आधारभूत स्वर को तान कहा जाता है। उसके बाद से हम देखेंगे चौथा, अंतरा इज सेकंड पार्ट ऑफ द कंपोजिशन। अंतरा रचना का दूसरा भाग है। चार स्टेटमेंट आपने देख लिया, अब आप बताइए कौन सा इसमें से कौन सा कोड सही है। वन यहां पे सॉरी, दिस शुड नॉट बी 1 2 3 4, दिस शुड बी मार्क ए बी और सी और डी, राइट। ये डी हो गया तो हम अब ए मान के चलेंगे। ए क्या होगा, 1 and 3 बी है, 2 and 4 सी है, 1 2 3 और डी है 1 2 4। क्या सही होगा? करेक्ट ऑप्शन डी, दैट मींस स्टेटमेंट 1 2 and 4 आर राइट। यहां पे मैं मारता हूं 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है, 3rd गलत है। 3rd पढ़िए, द बेसिक नोट्स इन स्लो टेम्पो आर कॉल्ड तान। धीमी गति में आधारभूत स्वर को तान कहा जाता है। क्या देखिए इसमें क्या गलत होगा, तेज गति में, इट्स नॉट धीमी गति, स्लो टेम्पो में नहीं होता है तान, तेज गति में होता है, ठीक है, हाई टेम्पो में। तेज गति में आधारभूत स्वर को तान कहते हैं, ठीक है। 114 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, थाट मस्ट हैव 7 नोट्स इन इट। अब थाट में 7 नोट तो भाई होने ही होने चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इट इज नेसेसरी फॉर थाट टू बी मेलोडियस एज दे आर संग। अब थाट के लिए यह अति आवश्यक है कि वे मधुर हों क्योंकि वे गाए जाते हैं। अगर आप कर्कश आवाज में गाना शुरू करें तो आज तो भाई इंटरनेट के जमाने में कुछ भी चल जाता है। देर आर फ्यू सॉन्ग्स जिनको लोग पसंद भी नहीं करते, मतलब जो है फिर भी उनमें इतने ज़्यादा लाइक्स आते हैं। बट इफ आई स्पीक अबाउट रियल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक दैट इज देयर, और जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक हम बात करें, उसमें जो थाट वाली चीज जो है, जब थाट आएगा तो उसमें 7, पहला था कि 7 नोट होने चाहिए, दूसरा था कि जब थाट गाएं तो मेलोडियस होने चाहिए, ठीक है, मधुर होने चाहिए। थर्ड देखिए, राग मस्ट हैव एटलीस्ट 3 नोट्स इन इट। रागों में कम से कम 3 नोट होने चाहिए। थाट में पहला लिखा है 7 नोट होने चाहिए और राग में 3 नोट होने। अब आपको बताना है कौन सा कोड, कौन सा कूट सही है। ए है 1, बी है 2, सी है 1 2, डी है 2 and 3। हम देखते हैं क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ए है ओनली 1, दैट मीन स्टेटमेंट 2 and 3 आर रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 and 3 हाउ दे आर रॉन्ग, लेट अस सी स्टेटमेंट 2। पहले हम 2 देखेंगे क्या गलत है भाई। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर थाट टू बी मेलोडियस एज दे आर नॉट संग। अब थाट के बारे में यह अनिवार्य नहीं है कि वो मधुर हो क्योंकि थाट को गाया नहीं जाता। फिर देखिए हाउ स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। राग मस्ट हैव एटलीस्ट 5 नोट्स इन इट। यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था देखिए साफ साफ, राग में कम से कम 3 नोट होने चाहिए,
गलत है, कितने नोट होने चाहिए, 5 नोट्स होने चाहिए राग में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट देखिए, कर्नाटक स्टाइल इज अ क्लास ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, कर्नाटक शैली जो है वो शास्त्रीय संगीत का एक वर्ग है। फिर देखिए, सेकंड है, पॉप म्यूजिक इज अ क्लास ऑफ फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक। अब जो पॉप संगीत आपने सुना होगा, पॉप संगीत जो है वो शास्त्रीय और लोक संगीत का एक संलयन है, दोनों को मिला देंगे, फ्यूज कर देंगे तो वो हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए, ट्रांस म्यूजिक, ट्रांस संगीत या आधुनिक संगीत का एक वर्ग है, इट्स अ क्लास ऑफ मॉडर्न म्यूजिक। तीन हो गया, अब आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। ए 1, बी 1, 2, सी है 1, 3 और डी है 2 एंड 3। लेट अस सी विच इज राइट। करेक्ट ऑप्शन हमारा सी होगा। सी में 1 एंड 3 आर राइट, दैट मीन स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। 2 में क्या कहा गया है, पॉप म्यूजिक इज अ क्लास ऑफ फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक। सबसे पहली बात है, पॉप तो अपने यहाँ पे मैंने होता ही नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आप क्लासिकल और फोक म्यूजिक को मिला करके पॉप बना रहे हैं। क्या होगा यहाँ पे, क्या होता है, पॉप संगीत ये आधुनिक संगीत का एक वर्ग है। यही तो मैं बोला कि जब क्लासिकल अगर आप जाने हिंदुस्तानी संगीत की बात करें तो ये सब चीजें पुरानी हैं, लेकिन पॉप आज की है, वेस्टर्न जगहों से आया है ये, ठीक है। तो पॉप म्यूजिक इज अ क्लास ऑफ मॉडर्न म्यूजिक। नेक्स्ट देखेंगे 116, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आप बताएं कि इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट देखिए, ख्याल इज स्टाइल ऑफ सिंगिंग इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, ख्याल हिंदुस्तानी संगीत में गायन की शैली है। सेकंड देखिए, द ओरिजिन ऑफ दिस स्टाइल वॉज एट्रीब्यूटेड टू अमीर खुसरो। अब ख्याल के बारे में कहा जा रहा है कि यह गाने का, यह जो शैली थी वो अमीर खुसरो के द्वारा दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट करेक्ट कोड, ए है 1, बी है 2, सी है 1 एंड 2 दोनों और डी है, कोई भी इसमें तो सही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन सी, 1 एंड 2 दोनों ही सही है। फिर से देख लीजिए क्या है, ख्याल हिंदुस्तानी संगीत में गायन की एक शैली है। दूसरा, ख्याल कहां से शुरू हुई थी, ख्याल को अमीर खुसरो ने शुरू किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 117, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ध्रुपद इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ध्रुपद जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने रूपों में से एक है। दूसरा हम देखते हैं, इट रीच इट्स जेनिथ इन द कोर्ट ऑफ एम्परर जहांगीर। अब जो ध्रुपद के बारे में हम कह रहे हैं तो यह सम्राट जहांगीर मुगल थे, उनके दरबार में यह जो ध्रुपद था वो अपने चरम पे पहुंचा, ध्रुपद संगीत। थर्ड देखिए, बैजू बावरा वॉज द फेमस सिंगर ऑफ द स्टाइल, बैजू बावरा इस शैली के प्रसिद्ध गायक थे। और देखिए, इट इज अ पोएटिक फॉर्म, यह एक काव्यात्मक रूप है। अब आप कोड बताइए, सेलेक्ट द करेक्ट कोड है, सही कोड चुने, ए 1 एंड 3, बी 1, 3, 4, सी 2, 3, 4 और डी 3 एंड 4। लेट अस सी विच इज करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन इज बी, लेट अस सी ऑप्शन बी 1, 3, 4 आर राइट, दैट मीन स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। हाउ स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 में कहा गया कि इट रीच इट जेनिथ इन द कोर्ट ऑफ एम्परर जहांगीर, कि ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यह जहांगीर के दरबार में काफी अपने शिखर पे पहुंचा, काफी ऊंचाई पे पहुंचा, गलत है। क्या था, हुआ था, ध्रुपद सम्राट अकबर के दरबार में अपने शिखर पे पहुंचा। सम्राट अकबर के ही टाइम में बैजू बावरा थे, काफी अच्छे संगीतकार थे, बाद में उन्होंने इस्लाम को अपना लिया था, राइट। ये हो गया, और वही ध्रुपद संगीत के फेमस थे, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक था, पोएटिक फॉर्म में है, बट जो सेकंड है गलत होगा, यह ध्रुपद संगीत जहांगीर के नहीं अकबर के दरबार में काफी ऊंचाई पर पहुंचा, क्योंकि अकबर जो था उसको काफी पसंद करता था। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताइए, तानसेन वॉज वन ऑफ द नवरत्न इन द कोर्ट ऑफ अकबर। तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक, ठीक है। सेकंड आप देखिए, अकबर गेव हिम द टाइटल मेलोडी किंग, अकबर ने उन्हें रागों के राजा की उपाधि दी। थर्ड देखिए, ही वॉज द मास्टर ऑफ तराना म्यूजिक, वो तराना संगीत के मास्टर थे। फोर देखिए, कंपोजिशन बाय तानसेन मेनली रिलेट टू हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड हिज पैट्रन्स। अब तानसेन की जो रचनाएं हैं वो मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं और उनके संरक्षण से संबंधित है। संरक्षण ये भी अगर
नौ रत्नों की बात करें तो वो अकबर के दरबार थे, मतलब कि तानसेन के जो भी संगीत होते थे उनमें या तो हिंदू देवी देवता के बारे में होता था या फिर अकबर मतलब उसके संरक्षण के बारे में होता था। सही कोड देखिए, आप बताइए, ए है 1 2 3, बी है 2 3 4, सी है 1 and 4, और डी है ओनली वन। आई विल टेल यू व्हिच इज राइट। करेक्ट ऑप्शन इज सी, लेट अस सी। 1 and 4 आर राइट, दैट मीन स्टेटमेंट 2 and 3 आर रॉन्ग। लेट अस सी हाउ स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। अकबर गेव हिम द टाइटल मियां मीनिंग अ लर्नड मैन, ठीक है। दूसरा क्या है, अकबर गेव हिम द टाइटल मेलोडी किंग, कहा जाता है कि रागों का राजा जो है टाइटल दिया गया था किसको, तानसेन को, ठीक है। ये बात गलत है, टाइटल मेलोडी किंग वो नहीं थे, क्या थे उनको, मियां कहा जाए, मियां की उपाधि अकबर ने उनको दी थी, ठीक है। उसके मियां का मतलब यहां पे क्या होता है, विद्वान आदमी, लर्नड मैन। फिर हम देखते हैं कि थर्ड इसमें क्या था, ही वाज द मास्टर ऑफ तराना म्यूजिक, वो तराना संगीत के मास्टर थे। यहां पे क्या है, वो द्रुपद संगीत के उस्ताद थे, कौन, तान। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन 119, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, संस्कृत सिलेबल्स आर यूज्ड इन द्रुपद, द्रुपद में संस्कृत के शब्दांशों का उपयोग किया जाता है। सेकंड देखिए, द्रुपद कॉम्पोजिशन यूजुअली है 15 to 20 स्टैंजास, द्रुपद की रचनाओं में आमतौर पर 15 से 20 श्लोक होते हैं। थर्ड देखिए, द्रुपद सिंगिंग कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू 4 सब फॉर्म्स और द बेसिस ऑफ रीजन्स, द्रुपद गायन को क्षेत्रों के आधार पर 4 उपरूपों में विभाजित किया जा सकता है। 3 हमारे पास स्टेटमेंट हो गए, आपको बताना है अगर आपने पढ़ रखा है तो इसमें से कौन से, यूजुअली ये संगीत है, हार्डली आई होप कि जो है आप में से किसी ने इसको टच किया होगा, बट इट हैज बीन टेकन फ्रॉम वेरियस प्लेसेस लाइक नितिन सिंघानिया, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीपीसी कोई भी एग्जाम दे लीजिए, यूपीएससी या सिविल सर्विसेज कोई भी एग्जाम दे लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पे अगर ये दिया है मतलब आएगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए आप इसको, ठीक है। 3 स्टेटमेंट हो गया, सेलेक्ट द करेक्ट कोड, सही कोड चुनिए। ए है ओनली वन, बी है 1 and 3, सी है 2 and 3, और डी है ऑल ऑफ द अबव, व्हिच शुड बी करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। ए को हम फिर से देख लेते हैं, ए में क्या है, ओनली वन इज राइट, दैट मीन स्टेटमेंट 2 and 3 आर रॉन्ग, 2-3 गलत हो गया भाई। दूसरा क्या गलत है, दूसरे को हम देखते हैं, द्रुपद कॉम्पोजिशन यूजुअली है 15 to 20 स्टेंजा, कहा गया है कि द्रुपद की अगर आप रचना देखें तो उसमें कम से कम 15 से 20 श्लोक होंगे, यह बात गलत है। कितने होंगे द्रुपद की रचना में, 15 से 20 श्लोक तो नहीं होंगे, कितने होंगे द्रुपद की रचना में, 4 to 5 स्टेंजाज ही होंगे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड कैसे रॉन्ग है, द्रुपद सिंगिंग कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ वानीज और बाणी, अब वाणी या बाणी के आधार पर द्रुपद गायन को आगे 4 उपरूपों में विभाजित किया जा सकता है। स्टेटमेंट में क्या दिया था, यहां पे कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू 4 सब फॉर्म्स, ठीक है, तो यहां पे बिल्कुल सही है, वाणी या बाणी के आधार पर, ठीक है। यहां पे क्या था, बेसिस ऑफ रीजन है, स्टेटमेंट में लिखा है कि द्रुपद को 4 सब फॉर्म में उनके कहां किस रीजन से है उसके आधार पर बांटा जाता है, ये गलत है। रीजन यहां पे न होकर के क्या होगा, एक तो वाणी होगा या फिर बाणी होगा, ठीक है, रीजन जो है वो हमारा नहीं होगा, ये रीजन जो है हमारा गलत है, वाणी और बाणी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 120, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट देखिए, दरभंगा घराना सिंग द खांडेर वाणी एंड द गौहर वाणी। अब जो दरभंगा घराना है, घराना क्या होता है, घराना मतलब आप सोच रहे होंगे किसी के मतलब हाउस से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जब स्कूल कहेंगे तो स्कूल का मतलब एक पर्टिकुलर शैली हो गई, वैसे ही घराना, घराना म्यूजिक से संबंधित है। कई घराने होते थे मतलब कि एक पर्टिकुलर गुरु होगा और उसने एक सिस्टम चला दिया कि भाई मेरी जगह पे ऐसे गाने होंगे, अब उस घराने में जितने म्यूजिशियन आएंगे सब उसके चेले होंगे और उसी तरीके को वो फॉलो करेंगे, तो उसको घराना कहा जाता है। अब यहां पे बात आती है दरभंगा घराना की, तो दरभंगा घराना खंडर वाणी और गौहर वाणी ये गाते थे। सेकंड हम देखेंगे, फेमस फैमिली हु एक्सपाउंड्स दिस घराना आर द मिश्रास। अब इस घराने का जो प्रतिनिधित्व जिसने किया है दरभंगा घराने का, वो मिश्रा परिवार। थर्ड देखिए, सियाराम तिवारी इज द परफॉर्मिंग मेंबर्स ऑफ द दरभंगा घराना। सियाराम तिवारी साहब जो है वो दरभंगा घराने के सदस्य हैं। 3 स्टेटमेंट आपने देख लिया, आप बताइए कौन सा सही है। सेलेक्ट द करेक्ट कोड,
ए है 1 और 2, बी है 2, सी है 1 और 3 और डी है ऑल ऑफ देम. चलिए देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन सी होगा. सी में 1 और 3 होगा, दैट मीन स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. क्या है? फेमस फैमिली हु एक्सपाउंड दिस घराना आर द मलिक फैमिली. जो भी फैमिली दरभंगा घराना के गाने गाती है, दरभंगा घराना में खंडरवानी, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये खंडरवानी और गौहरवानी दरभंगा घराना में गाया जाता था. और ये एक तरह के म्यूजिकल हाउसेस होते थे जिनका एक पर्टिकुलर थीम होता था, उसी पे ये लोग गाना गाते थे. और दरभंगा जो घराना है उसके जो फेमस है उनका नाम है शिवराम तिवारी. लेकिन जिसने इस दरभंगा घराने को फेमस किया है, इसके जो प्रतिनिधि हैं, वो मिश्रा परिवार नहीं है. कौन है? वो है हमारे मलिक परिवार. ठीक है, मलिक फैमिली. नेक्स्ट हम देखते हैं 1 to 1. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट देखिए, बताइए कौन सा सही है. द ओरिजिन ऑफ द खयाल स्टाइल वॉज एट्रीब्यूटेड टू अमीर खुसरो. खयाल शैली की उत्पत्ति को अगर हम कहें तो उसका श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है. सेकंड हम स्टेटमेंट देखते हैं, अलाप इज गिवन मच मोर रूम इन द खयाल म्यूजिक एज कंपेयर टू ध्रुपद. मैंने आपको ध्रुपद के बारे में बताया था, ध्रुपद के फेमस कौन लोग थे आपने सुना, वहां पे तानसेन थे, अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, उनको मियां जी का नाम दिया गया था और उसका मतलब लर्न्ड मैन होता है. तो ये तो हो गई तानसेन के बारे में और वो ध्रुपद से संबंधित है. लेकिन ख्याल जो है वो अमीर खुसरो ने इसको शुरू किया था. अब अलाप, जब आप गाना गाते हैं और गाने को खींचते हैं तो उसको अलापना कहते हैं. ठीक है, तो आप पाएंगे कि ख्याल का जो संगीत है उसमें अलाप ज्यादा है अगर हम ध्रुपद से उसकी तुलना करते हैं. थर्ड देखिए, द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द ख्याल इज द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ तान्स इन द कंपोजिशन. अब रचना में अगर तानों का लगातार प्रयोग हो रहा है तो यही इस ख्याल संगीत की अनूठी विशेषता है. सेलेक्ट द करेक्ट कोड. ए है 1 और 2, बी है 1 और 3, सी है 1, डी है 1 और 3. आप देखिए करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा. बी का मतलब हो गया 1 और 3 आर राइट, दैट मीन स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 2 में क्या गलत है? अलाप इज गिवन मच लेस रूम इन द ख्याल म्यूजिक एज कंपेयर टू ध्रुपद. अगर आप ध्रुपद को सुने तो ध्रुपद में अलाप आपको ज्यादा मिलेंगे. ख्याल को सुने जिसको कि अमीर खुसरो साहब ने बनाया है, उसमें अलाप आपको कम मिले. नेक्स्ट हम देखते हैं 1 to 2. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कथन देखिए, बताइए कौन सही है. फर्स्ट, ग्वालियर घराना इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इलेबोरेट ध्रुपद घराना. अब जो ग्वालियर घराना, घराना फिर आप समझिए किसी पर्टिकुलर राजसी घराने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यह घराने किसी संगीत और एक पर्टिकुलर एक तरह के हिंदुस्तानी संगीत के कुछ इनके इंडिजिनस टाइप की चीजें होती थी, मतलब इन्हीं की विशेष होती थी, इनकी विशेष उससे संबंधित थे. तो यहां पे अब बात हो रही है ग्वालियर घराने की. इससे पहले आपने दरभंगा घराना सुना, ग्वालियर घराने की बात सुनिए. ग्वालियर घराना सबसे पुराना और सबसे विस्तृत ध्रुपद घराना है. जो ध्रुपद घराना है, ध्रुपद गाना गाने के लिए जो फेमस है, म्यूजिक के लिए फेमस है, वो ग्वालियर घराना है. फिर हम सेकंड देखते हैं, इट इज रिग्रेस इन इट्स अप्रोच एज देयर इज इक्वल एम्फेसिस लेड ऑन मेलोडी एंड रिदम. ध्रुपद घराने के बारे में कहा जाता है कि भाई यह बहुत कठोर नियमों का पालन करता है क्योंकि माधुर्य और लय पर समान जोर दिया जाता है इसमें. थर्ड देखिए, द मोस्ट पॉपुलर एक्सपाउंडर्स ऑफ दिस घराना आर नाथू खान एंड विष्णु पलुष्कर. अब इस ग्वालियर घराना जो कि ध्रुपद घराने के लिए फेमस है, वह उसके जो सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादन करता है वह है नाथू खान और विष्णु पलुष्कर. कोड सही चुनिए. ए है 1, बी है 2, सी है 1 और 3 और डी है 2 और 3. चलिए देखते हैं क्या होगा. करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी. डी का मतलब हुआ अगर हम यहां पे देखें तो 2 और 3, दैट मीन स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. 1 क्या है? ग्वालियर घराना सबसे पुराना और सबसे विस्तृत ख्याल घराना है. पूरी बातें जो है यहां पे ध्रुपद घराने की नहीं की जा रही थी, यहां पे किसके बारे में? ग्वालियर घराने के बारे में हम बातें कर रहे थे, ग्वालियर घराने के बारे में. तो ग्वालियर घराना जो है इट्स नॉट ध्रुपद घराना. ये ध्रुपद घराना नहीं है. क्या है ये हमारा ख्याल घराना है. इसी के ग्वालियर घराने में ही जो इसके अप्रोच है वो बहुत ही मतलब काफी रिग्रेस इनकी ट्रेनिंग होती थी क्योंकि इक्वल एम्फेसिस बराबर जोर दिया जाता था कि भाई आपके गाने का माधुर्य भी अच्छा हो, लय भी अच्छा हो. और इसी ख्याल घराने के सबसे जो लोकप्रिय प्रतिपादन करता है वो है नाथू खान और विष्णु पलुष्कर.
नेक्स्ट हम चलते हैं 1, 2, 3 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द किरान घराना इज नेम्ड आफ्टर द टाउन नेम्ड किराना इन उत्तर प्रदेश। अब अगर किरान घराना की बात की जाए, किरण घराना, तो वो उत्तर प्रदेश में एक जगह है, शहर है किराना नाम से, तो यह किरान घराना का नाम उसी किराना शहर के नाम पर रखा गया है। सेकंड देखिए, द किरान घराना इज बेटर नोन फॉर देयर मास्टरी ओवर द फास्ट टेम्पो राग। अब किरान घराना तेज गति वाले रागों पर अपनी प्रवीणता के लिए जाना जाता है, सुविदित है। थर्ड देखिए, पंडित भीमसेन जोशी इज द फेमस सिंगर ऑफ किरान घराना। पंडित भीमसेन जोशी किरान घराना के प्रसिद्ध गायक है। तीन स्टेटमेंट हमारे पास हो गए, करेक्ट कोड चुन लीजिए। ए है 1, 3, बी है 2, 3, सी है 1 और डी है ऑल ऑफ द अबव। मैं आपको बताता हूं क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। ए का मतलब हुआ 1 और 3, दैट मीन स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 में क्या था भाई, किरान घराना इज बेटर नोन फॉर देयर मास्टरी ओवर द फास्ट टेम्पो राग। किरान घराना को फास्ट टेम्पो राग के लिए जाना जाता है, ठीक है। यही चीज इसमें गलत है, देख लीजिए इसमें सही क्या है भाई। किरान घराना को धीमी गति वाले रागों पर अपनी प्रवीणता के लिए जाना जाता है, मतलब किरान घराना इज नोन फॉर, यहां पे मैं लिखता हूं स्लो टेम्पो राग, और अगर मैं लिखूंगा यहां पे तुरंत ही लिख दीजिए किरान घराना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 1, 2, 4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट आप बताइए इसमें सही है। पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, विजय किचलू बिलोंग्स टू आगरा घराना। विजय किचलू साहब जो हैं वो आगरा घराने से संबंधित। सेकंड देखिए, बड़े गुलाम अली खान साहब बिलोंग्स टू किराना घराना। अब जो बड़े गुलाम अली खान साहब हैं वो किराना घराना से संबंधित हैं। थर्ड देखिए, छज्जू खान बिलोंग्स टू भिंडी बाजार घराना। अब छज्जू खान जो है वो भिंडी बाजार घराने से संबंधित है, ये तीसरा। चौथा है, अब्दुल करीम खान बिलोंग्स टू पटियाला घराना। तो अब्दुल करीम खान पटियाला घराने से संबंधित है। ये चार काफी फेमस संगीतकार हो गए, इनके बारे में आपको बताना है कि क्या इनके नामों के सामने दिए गए इनके घराने सही हैं या नहीं है। करेक्ट कोड आप चुन लीजिए। ए है हमारे पास 1, 2, बी है 1, 3, सी है 2, 4 और डी है 1, 3। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी, दैट मीन्स बी का मतलब 1 और 3 आर राइट, 2 और 4 आर रॉन्ग। 2 भी गलत है, 4 भी गलत है। 2 के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पे किसके बारे में, बड़े गुलाम अली खान साहब, ठीक है, गुलाम अली खान साहब के बारे में कहा जा रहा है स्टेटमेंट में। यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि ये बड़े गुला किराना घराना से संबंधित हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। क्या होना चाहिए, पटियाला घराना से संबंधित है। कहां से ये संबंधित है, पटियाला घराना। एक तो ये हो गया स्टेटमेंट 2। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट 4 देखते हैं। यहां पे देखिए स्टेटमेंट 4, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि अब्दुल करीम खान बिलोंग्स टू पटियाला घराना। अब यहां पे तो ऑलरेडी बड़े गुलाम अली खान साहब पटियाला से हो गए, तो अब्दुल करीम हो सकता है कहीं और से हो। देखिए अब्दुल करीम खान साहब यहाँ पे लिखा है कि भाई ये पटियाले घराने के रहने से संबंधित हैं, लेकिन क्या होगा, ये अब्दुल करीम खान साहब किराना घराने से संबंधित है। दोनों को बस पलट दिया गया। 125 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा कथन सही है, उसके बाद से कोड चुने। फर्स्ट है, द रिदम प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन तराना स्टाइल। अब तराना शैली में लय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेकेंड देखिए, तराना स्टाइल वॉज इन्वेंटेड बाय अमीर खुसरो। तराना शैली का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। थर्ड देखिए, पंडित रतन मोहन शर्मा, यहाँ पे पंडित रतन मोहन शर्मा ये तराना के बादशाह कहे जाते हैं। चौथा देखिए, इट यूजेस मेनी वर्ड्स दैट आर संग एट अ स्लो टेम्पो। अब अगर तराना शैली को अगर आप सुनते हैं तो इसमें धीमी गति से गाने गाए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कोड भाई हमारा यहाँ पे सही है। ए है 1, 2, 4,
बी है 2, 3, 4, सी है 1 and 2, डी है ऑल ऑफ द अबव। चलिए हम देखते हैं, एक्सप्लेनेशन होगा करेक्ट ऑप्शन हमारा ए होगा। ए कहने का मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3 सही है, दैट मीन्स स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 4 को देखते चलें, कहा गया है कि यहाँ पे किसके बारे में पूरी बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है हमारे तराना स्टाइल की, ठीक है, तराना स्टाइल की। और तराना स्टाइल में कहा जाता है कि इसमें जो भी हमारे वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनको काफी ही स्लो टेम्पो के साथ गाया जाता है, ठीक है, धीमी गति के साथ गाया जाता है। यही बात गलत है, क्या होगा, तराना शैली में इसको जो वर्ड्स हमारे आते हैं, जो हमारे वर्ड्स आते हैं उसको क्या है, काफी हाई टेम्पो में गाया जाता है, बहुत ही तीव्र गति से गाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, 126। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ठुमरी। ठुमरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब हम देखेंगे, पहला स्टेटमेंट देखेंगे, द कॉम्पोजिशन ऑफ ठुमरी इज इधर रोमांटिक और डिवोशनल इन नेचर। अगर आप ठुमरी को सुनेंगे तो ठुमरी की जो रचना होगी उसकी जो प्रकृति होगी वो या तो हमारा आपको उसमें प्यार मिलेगा, लव मिलेगा, राइट, मतलब रोमांटिक होगी, या फिर उसमें डिवोशन मिलेगा गॉड के प्रति। तो ये हो गया हमारा ठुमरी। सेकंड देखिए, द कंपोजिशन आर यूजुअली संग इन मेल वॉइस। जब ठुमरी सुनते हैं आप तो आमतौर पर इसको पुरुष ही गाते हैं। थर्ड देखिए, ठुमरी इज लिंक टू क्लासिकल डांस कथक। ठुमरी सांस्कृतिक नृत्य, आपके जो शास्त्रीय नृत्य कथक से जुड़ी हुई है। फोर्थ देखिए, द मेन घरानाज ऑफ ठुमरी आर बेस्ड इन ग्वालियर। अब ठुमरी से संबंधित जो मुख्य घराने हैं वो कहां पे हैं, ग्वालियर में स्थित हैं। अब इसमें करेक्ट कोड चुनिए, ए है 1, 2, बी है 1, 3, सी है 2, 3, 4 और डी है 3 and 4। आप देखिए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। बी को अगर मैं आपको दिखाऊं तो बी में 1 and 3, दैट मीन स्टेटमेंट 2 and 4 आर रॉन्ग। इन दोनों को देखेंगे, पहले 2 देखते हैं। कहा गया है कि द कंपोजिशन आर यूजुअली संग इन मेल वॉइस। किसकी बात कही जा रही है कि ठुमरी मेल के आवाज में गाई जाती है, ये गलत है। ठुमरी को किसके आवाज में गाया जाता है, देखिए यहां पे ठुमरी आमतौर पर फीमेल के आवाज में गाई जाती है, राइट। और फोर देखते हैं, द मेन घराना और ठुमरी आर बेस्ड इन ग्वालियर, यही कह रहा है ना, लेकिन आपको ग्वालियर में ना होकर के कहां पे है, ठुमरी के अगर मेन घराने के लोगों की बात सुने तो ये कहां कहां पे है, ये है सबसे पहले आपके बनारस में, बनारस कहिए या फिर इसको वाराणसी कहिए, सही नाम कह लीजिए। और दूसरे कहां पे हैं इसके लोग, लखनऊ में है। नेक्स्ट हम चलते हैं, 127। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें और सही उत्तर को चुनें। सही उत्तर क्या होगा, कथन पहले देखते हैं, टप्पा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फोक सॉन्ग ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उत्तर पूर्वी भारत, जो सेवन सिस्टर्स हैं उस हिस्से की बात हो रही है। तो टप्पा, टप्पा अगर आप सुनते हैं तो टप्पा की उत्पत्ति उत्तर पूर्व भारत के लोक गीतों से, फोक सॉन्ग से हुई है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, दिस इज अ ग्रेट यूज ऑफ वेरी क्विक टर्न ऑफ फ्रेजेस इन द टप्पा स्टाइल। टप्पा शैली में मुहावरों का बहुत तीव्र और बड़ा ही घुमावदार उपयोग होता है। तो ये दो स्टेटमेंट हमारे पास हो गए, सेलेक्ट द करेक्ट कोड। हम देखते हैं, ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है नन ऑफ देम, इसमें से कोई भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी, बी में ओनली 2 है, दैट मीन स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 में क्या गलत होगा भाई, 1 फिर से पढ़ते हैं, टप्पा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फोक सॉन्ग ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। टप्पा के बारे में इसको कहा जा रहा है, इसमें दो बातें मुख्य हैं, एक तो कहा जा रहा है कि भाई ये फोक सॉन्ग है और मतलब कि जो लोगों के द्वारा गाई जाती है, दूसरा कहा जा रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से संबंधित है। अब इसी में देख लीजिए कि गलती क्या है भाई, टप्पा जो है वो फोक सॉन्ग है लेकिन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फोक सॉन्ग ऑफ कैमल राइडर ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, इसी को आप टप्पा लिख लीजिए। और ये तो पहली बात तो फोक सॉन्ग है, बिल्कुल कोई बात नहीं है, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया नौ होकर के कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से संबंधित है। नॉर्थ वेस्ट में हमारे क्या है, आप पाएंगे कि वहां पे ज्यादातर आपको राजस्थान वगैरह वाला एरिया मिल जाएगा,
वहीं पे जो कैमल हार्डर्स होते हैं, राजस्थान में ऊंट चलते हैं और ऊंट को आपको मरुस्थल का जहाज कहा जाता है और ऊंट सवारों के लोकगीतों से संबंधित है ये उत्तर पश्चिम भारत में टप्पा शैली। नेक्स्ट हम देखते हैं 128, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है कीर्ति इज हाईली इवॉल्व्ड म्यूजिकल सॉन्ग ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। अब कीर्ति जो है कर्नाटक संगीत का अत्यधिक विकसित संगीत है। सेकंड देखिए गजल नेवर एक्सीड्स द 12 आसार और कपलेट्स। अब जब कभी आप गजल को सुनते हैं, गजल काफी अच्छे होते हैं और मतलब आज के गानों के जैसे नहीं होते गजल, मतलब काफी आपको लयबद्ध तरीके से और सही लगेगा, उर्दू का उसमें प्रयोग ज्यादा होता है। तो गजल को अगर आप सुन रहे हैं तो उसमें 12 आसार या दोहे से अधिक नहीं होते। थर्ड देखिए अमीर खुसरो वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपाउंडर्स ऑफ द आर्ट ऑफ मेकिंग गजल। अमीर खुसरो गजल बनाने की कला के पहले प्रतिपादकों में से एक थे। अमीर खुसरो का नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ चुके हैं आप तुरंत ही याद कीजिए और मुझे बताइए कहाँ पढ़े। अमीर खुसरो का नाम जो पढ़ा है हमने, ये पढ़ा कि जो ख्याल म्यूजिक था, ख्याल वो अमीर खुसरो ने ही स्टार्ट किया था, ही ओनली ओरिजिनेटेड। अब यहाँ पे गजल के बारे में कहा जा रहा है कि क्या गजल भी अमीर खुसरो ने ही स्टार्ट किया था। तीन स्टेटमेंट हमको मिल गया है, चलिए हम देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कोड, ए है ओनली वन, बी है ओनली वन एंड थ्री, सी है ओनली टू एंड थ्री, डी है ऑल ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन डी, तीनों के तीनों सही है, बिल्कुल सही है। कीर्ति जो है कर्नाटक संगीत का अत्यधिक विकसित संगीत है, गजल में 12 आसार या दोहे से अधिक नहीं होते हैं, और तीसरा अमीर खुसरो जो थे वही गजल बनाने की कला के पहले व्यक्ति थे। पहले मतलब वो ख्याल के लिए भी जाने गए अमीर खुसरो और गजल के लिए भी जाने गए अमीर खुसरो। नेक्स्ट हम जानते हैं 129, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट नीचे दिए गए में से एक या एक से ज्यादा जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, यहाँ पे है हमारा अन्नामाचार, कर्नाटक संगीत के पहले वो कंपोजर थे, पहले संगीत को एक जो कंपोज करता है, संगीत को बनाता है, उसको कंपोजर कहते हैं। ठीक है, तो कर्नाटक संगीत के पहले कंपोजर ज्ञात संगीतकार थे अन्नामाचार्य। दूसरा हम देखते हैं क्या है, भद्रचल रामदासु वॉज अ फेमस प्रोपोनेंट ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक एंड हिज कंपोजिशन वर मेनली इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। व्यक्ति का नाम क्या है, इनका नाम है भद्रचल रामदासु, कर्नाटक संगीत से संबंधित है और इनकी रचनाएं अगर आप पाएंगे तो इनमें भगवान कृष्ण की भक्ति बहुत ज्यादा आपको दिख जाएगी। तीसरा हम देखते हैं कि पुरंदर दास वॉज वाइडली रिफर्ड टू पितामह और फादर, ग्रैंडफादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। पुरंदर दास को व्यापक रूप से कर्नाटक संगीत के पितामह या पिता या दादा के रूप में जाना जाता था। तीन स्टेटमेंट आपने देख लिए, कोड देखिए, बताइए कौन से सही है इसमें। ए है वन, बी है वन टू, सी है वन थ्री और डी है टू एंड थ्री। चलिए आपको बताते हैं, करेक्ट ऑप्शन होगा सी। सी का मतलब हुआ कि हमारा यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है कि सी का मतलब हो गया वन एंड थ्री, दैट मीन्स जो होगा हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट टू जो होगा इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट टू जो है वो हमारा गलत है। क्या स्टेटमेंट टू फिर से देखिए, भद्रचालु रामदासु ये कर्नाटक संगीत के प्रोपोनेंट थे और इनकी रचनाओं में आपको लॉर्ड कृष्ण, ठीक है, भगवान कृष्ण के बहुत ही ज्यादा प्रेज मिलता है। अब ये बात इसमें गलत है, तो गलत इसमें क्या है, भद्रचालु रामदासु कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध प्रस्तावक थे लेकिन इनकी रचनाओं में बस आपको काटना क्या है कि जो भगवान कृष्ण वाली बात है उसको हटा दीजिए, क्या होना चाहिए, लॉर्ड राम के बारे में इसको इन्होंने गाया है। नेक्स्ट हम चलते हैं 130, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट देखिए, हिंदुस्तानी म्यूजिक इन्फ्लुएंस्ड बाय अरब, पर्शियन एंड अफगान। अब भारतीय संगीत के बारे में कही जा रही है बात, फिर कह रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत जो है अगर हम देखें तो वो काफी ज्यादा मतलब प्रभावित है, किन किन से, हमारे अरब संगीत से, फिर पर्शियन या फिर जिसको हम फारसी संगीत कहते हैं उससे, या फिर
तीसरा है अफगानी संगीत, ये भारतीय संगीत का, आप सोचे रहिए बताइएगा सही है गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, कर्नाटिक म्यूजिक इज मेनली बेस्ड ऑन राग। कर्नाटिक म्यूजिक है वो ज्यादातर किससे संबंधित है, आप देखिए कि कर्नाटिक म्यूजिक राग पर आधारित। तबला, सारंगी, सितार तथा संतूर, यह कर्नाटिक संगीत के प्रमुख चीजें हैं, मुख्य रूप से इनका उपयोग किया जाता है। तीन हो गया। चौथा देखिए, इन हिंदुस्तानी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट एज वोकल्स। एक तो हो गया कि जब आप संगीत गाते हैं, मतलब गाना जब आप गा रहे हैं, तो आप इतना अच्छा गाने कि मतलब उसके साथ इन सब चीजों की म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी संगीत सुनते हैं तो ये स्टेटमेंट के हिसाब से हिंदुस्तानी संगीत में क्या होना चाहिए, आपका वोकल जो आपने गाना गाया प्लस आपके इंस्ट्रूमेंट जो जैसे तबला, सारंगी ये सब आपने बजाया, ये दोनों का बराबर ही महत्व है। अब हम देखेंगे कि ए है हमारा ओनली वन एंड थ्री, बी है ओनली वन एंड फोर, और सी है टू थ्री, और डी है टू थ्री फोर। सही कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन बी। बी का मतलब हुआ कि ओनली वन एंड फोर, दैट मीन स्टेटमेंट टू एंड थ्री आर रॉन्ग। पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे स्टेटमेंट टू का सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट टू देखिए, कर्नाटिक म्यूजिक इज मेनली बेस्ड ऑन राग, ये बात कही गई है यहाँ पे। कर्नाटक म्यूजिक कहिए और यहाँ पे लिख दीजिए राग से संबंधित है। अब हम काटेंगे कि इसमें गलत गया है भाई। कर्नाटक म्यूजिक जो है आप देखिए यहाँ पे राग से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? ताल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद से हम देखते हैं थर्ड देखेंगे फिर स्टेटमेंट थ्री। ठीक है, स्टेटमेंट थ्री में क्या गलती है? यहाँ पे कहा जाता है कि तबला, उसके बाद से सारंगी, फिर कह रहा है सितार, ये या संतूर, ये जो है यही मतलब तबला, सारंगी, सितार और फिर संतूर, ये सभी मिलाकर के क्या बनाते हैं? यही सब मिलाकर के कर्नाटिक म्यूजिक को बनाते हैं। ये कह रहा है कि गलत बात है। तो सही क्या है भाई? आप पाएंगे कि कर्नाटिक म्यूजिक में तबला, सारंगी, सितार, ठीक है, तबला, सारंगी, सितार, संतूर मुख्य रूप से हिंदुस्तानी संगीत में उपयोग किया जाता है, जबकि वीणा, ध्यान दीजिए वीणा जो माता सरस्वती के हाथों में आप देखते हैं वो वीणा है, उसके बाद से मृदंगम, मृदंगम, उसके बाद से मंडोलिन, ये मुख्य रूप से कर्नाटिक संगीत में पाए जाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटिक संगीत, भाई हिंदुस्तान में ही तो कर्नाटका है तो फिर दोनों एक ही होंगे, बिल्कुल ये हिंदुस्तानी संगीत जो है एक टाइपो है, संगीत का एक टाइपो है जो कि इधर नॉर्दर्न इंडिया वाले हिस्से में है और उधर वाले हिस्से में कर्नाटिक संगीत है। नेक्स्ट आप चलिए साउथ वाले हिस्से में। 131, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक मतलब कि जो लोक संगीत जिसे लोग गाते हैं उनके बारे में कौन से कथन सही है? पहला हम देखते हैं, द फोक ट्रेडिशन इज द म्यूजिक ऑफ द पीपल एंड हैज हार्ड एंड फास्ट रूल्स। लोक संगीत जो क्या होता है वो लोगों का संगीत होता है और इसके नियम काफी कठोर होते हैं, कठिन और कठोर होते हैं। सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे, वे विविध विषयों पर आधारित होते हैं और संगीत की लय से भरपूर होते हैं, मतलब दे आर बेस्ड ऑन डाइवर्स थीम्स एंड आर फुल ऑफ म्यूजिकल रिदम। थर्ड देखिए, पानीहरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोक म्यूजिक। किसके बारे में कही जा रही है बात यहाँ पे? यहाँ पे कहा जा रहा है पानीहरी के बारे में। ये क्या है? एक फोक संगीत है, फोक म्यूजिक है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन सा कोड हमारा सही है। आप देखिए, ए है वन एंड टू, बी है टू एंड थ्री, सी है ओनली टू, डी है ऑल ऑफ द अबव, चारों ही सही है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे बी। बी कहने का मतलब है कि कथन एक जो है हमारा गलत है, स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। लेट अस सी व्हाट इज रॉन्ग इन स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन में कहा जा रहा था कि फोक ट्रेडिशन जो है वो लोगों का संगीत है, बिल्कुल लोग हैं और संगीत है तो मतलब लोक संगीत है, लेकिन इसमें यह बात कही जा रही है कि जो फोक म्यूजिक आपको मिलता था, फोक, ठीक है, वो काफी ज्यादा मतलब कि एक तो डिफिकल्ट होता था और काफी उसको इसके हार्ड एंड फास्ट रूल होते, ठीक है, लेकिन ये ही बात इसकी गलत है कि इसके नियम जो होते थे वो कठोर नहीं होते। 132 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? पहला स्टेटमेंट देखिए, बाउल इज अ फोक म्यूजिक ऑफ मध्य प्रदेश। बाउल जो है वो
मध्य प्रदेश का एक लोक संगीत है। फिर दूसरा देखिए, इट्स लिरिक्स कैरी इन्फ्लुएंस ऑन द हिंदू भक्ति मूवमेंट। अब अगर आप बाउल के म्यूजिक को सुने तो उसमें आपको हिंदू भक्ति आंदोलन का प्रभाव मिल जाएगा। हिंदू भक्ति आंदोलन आप जानते हैं क्या है? हिंदू भक्ति आंदोलन एक पीरियड में ऐसा शुरू हुआ था जो जिसको आप भक्ति मूवमेंट भी कहते हैं। उसी टाइम में आपको कबीर मिल जाएंगे, उसी टाइम में आपके गुरु नानक मिल जाएंगे, ये सारे लोग मिल जाएंगे, मीरा बाई उसी टाइम के हैं। मतलब एक बुरा ये चला था कि भाई लोगों को ये रीति रिवाज इन चीजों से हट करके बस ईश्वर में प्रेम को दिखाना, और उसी को भक्ति मूवमेंट कहते थे। तो बाउल का जो फोक म्यूजिक है, लोक संगीत है मध्य प्रदेश का, स्टेटमेंट के हिसाब से उसमें हिंदू भक्ति आंदोलन का प्रभाव आपको मिलेगा। तीसरा आप पाएंगे कि योतीन दास इज द प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ दिस म्यूजिक। योतीन दास जो थे इस संगीत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। अब आपको कोड चुनने हैं। ए है हमारा वनली वन, बी है वनली टू, सी है वनली वन एंड थ्री, और डी है वनली टू एंड थ्री। चलिए हम देखते हैं कि इसमें हमारा सही कौन सा है। यहां पे कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन डी। डी का मतलब हुआ कि टू एंड थ्री, दैट मीन स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। वन में क्या गलती है? वन को देखिए कहा जा रहा है कि बाउल, ठीक है, बाउल रिलेटेड है कहां से? एमपी से, मध्य प्रदेश से। लेकिन यही बात इसकी गलत है, क्योंकि बाउल जो है वो रिलेटेड है कहां से? बंगाल से। अभी तो फिलहाल आप बेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं 133। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंडावनी इज फोक म्यूजिक एंड बेस्ड ऑन द ग्रैंड एपिक महाभारत। अब पंडावनी एक लोक संगीत है और भव्य महाकाव्य महाभारत पर आधारित है। किसकी बात यहां पे की जा रही है? यहां पे बिल्कुल क्लियर लिखिए पंडावनी की, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने, ठीक है। पंडावनी क्या है? एक लोक संगीत है और भव्य महाकाव्य महाभारत पर आधारित है। फिर हम देखते हैं इट इज ऑल इंक्लूसिव ऑफ गायन एंड वादन। यह इसमें गायन और वादन दोनों का समावेश होता है पंडावनी में। किसका किसका? आप यहां पर लिखिए गायन और वादन, ठीक है, किसमें? पंडावनी म्यूजिक में होते हैं। करेक्ट कोड चुनिए। ए है वनली वन, बी है वनली टू, सी है बोथ वन एंड टू, और डी है नीदर वन नॉर टू, दोनों में से कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं करेक्ट ऑप्शन सी होगा, मतलब कि दोनों ही हमारे सही हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 134। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सही कथन को चुनिए, अगर एक से ज्यादा है भी है तब भी उनको चुन लीजिएगा। फर्स्ट देखिए 101 इज द फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किसकी बात कही जा रही है? बिल्कुल क्लियर रखना है, 101 की बात कही जा रही है, और यह एक क्या है? फोक म्यूजिक है। और कहा रहा है कि ये कहां से रिलेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर से। अगर अभी लिख लें तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट अब देखते हैं, इट इज स्पेशली संग ऑन फेस्टिवल्स ओकेजन। किसकी बात यहां पे फिर से की जा रही है? 101 की बात कही जा रही है, राइट। और 101 खाली फेस्टिवल ओकेजन पे ही गाया जाता है एज पर द स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड देखिए, तिजान बाई इज द फेमस आर्टिस्ट ऑफ दिस म्यूजिक। अब इस 101 की जो फेमस आर्टिस्ट हैं, इनका नाम क्या है? तिजान बाई, ठीक है। ये तीन हमारे पास स्टेटमेंट हो गए। करेक्ट कोड चुनिए। ए है वनली वन, बी है वन एंड टू, सी है टू एंड थ्री, और डी है वन एंड थ्री। मैं आपको बताता हूं क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन सिर्फ वनली वन है, मतलब कि स्टेटमेंट टू एंड थ्री है रॉन्ग। टू एंड थ्री को हम चलिए देखते हैं क्या है। टू में कहा गया है कि जो 101 है, फिर से यहां पे मैं लिख रहा हूं, 101 जो है इसमें कहा गया है कि यह फेस्टिवल ओकेजन पे गाया जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बात गलत आपको लग रही है कि 101 जो है वो विशेष रूप से मैरिज एनिवर्सरी में ही गाया जाता है, ठीक है। मैरिज समारोह हो गया, कोई भी वेडिंग सेरेमनी हो गई, एनिवर्सरी होगी, वहां पे गाया जाएगा। फिर का थर्ड देखिए, तीजन बाई द फेमस आर्टिस्ट ऑफ पंडावनी म्यूजिक। यहां पे 101 की बात कही जा रही है। किसकी बात? यहां पे लिख लीजिए 101 के बारे में कहा जा रहा है, और यहीं पे एक नाम आता है तीजन बाई का, और कहा जा रहा था कि तीजन बाई 101 की फेमस सिंगर है। गलत है, क्योंकि तीजन बाई जो है
वो किससे संबंधित है? पंडावनी म्यूजिक से संबंधित है, जो पिछले वाले क्वेश्चन में आप देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे दिए स्टेटमेंट से कौन सा भाई हमारा करेक्ट है? सुनिए, फर्स्ट है अल्लाह फोक डांस इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। किसके बारे में? अल्लाह लोक नृत्य फोक डांस। एकदम पॉइंट पॉइंट में इसको करते जाना है। किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है, एक हो गया। दूसरा हो गया, इट इज यूजुअली संग इन डिफरेंट लैंग्वेज लाइक ब्रज, अवधी एंड भोजपुरी। अगर आप ब्रज सुने, अवधी सुने और भोजपुरी सुने, लगभग एक ही जैसे मिलती जुलती है, बट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं ये। अब इस अलाहा फोक डांस को आप पाएंगे जब नाचा गाया जाता है, तो इसको यूजुअली गाया जाता है किसमें? और ब्रज में, अवधी में और भोजपुरी, तीनों ही भाषाओं में गाया जाता है। थर्ड देखिए, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इपिक महाभारत, यह महाकाव्य महाभारत से भी संबंधित है। अब हमारे पास हो गए हैं तीन स्टेटमेंट, हम तीनों स्टेटमेंट एक एक करके देखते हैं। ए है ओनली वन एंड टू, बी है ओनली वन एंड थ्री, सी है टू एंड थ्री और डी है ओनली थ्री, राइट। तो तीन स्टेटमेंट हमारे पास होगा। चलिए हम देखते हैं कि इसमें सही कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी में अगर बोलूं तो सी में साफ लिखा है टू एंड थ्री, टू एंड थ्री सही है। दैट मीन्स स्टेटमेंट जो होगा वन जो है इसमें, यही हमारा गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट वन को हम देखते हैं क्या है। अल्लाह फोक डांस इज रिलेटेड टू यूपी, क्या कहा जा रहा है? अल्लाह फोक डांस जो है वो रिलेटेड है कहां से? यूपी से, ठीक है। लेकिन यही बात यहां पे गलत है। अल्लाह लोक संगीत कहां से रिलेटेड है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ये हो गए हमारे टोटल, हम पहुंचाए हैं 135 क्वेश्चन तक। नितिन सिंघानिया, हम आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया स्पेक्ट्रम बुक, एनसीईआरटी और कई सारी चीजें हम एक साथ मिला के लिए आपको लाए हैं। देयर आर टोटल ऑफ 500 क्वेश्चन और दूसरी जगह पे आपको नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। आप इसको वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब तो पक्का कर लीजिए, क्योंकि यही एक जगह है जहां पर फ्री में सारी चीजें मिलेंगी। एंड इफ यू आर रियली सीरियस तो आप इसके पेड कोर्सेज को जरूर खरीदिए। थैंक्स, जय हिंद।